प्लेटफॉर्म पे आप फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जो राजस्थान का पेपर हुआ है हमारा जेईई का पेपर हुआ है हमारा, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आरएसएम एसएसबी जूनियर इंजीनियर जो डब्ल्यूआरडी मेनली डिपार्टमेंट के लिए हुआ है पेपर, डिग्री होल्डर्स के लिए। ये किसके लिए हमारा, ये डिग्री होल्डर्स के लिए। तो आपको इसमें ब्रीफ सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, और इसका पीडीएफ जो होगा वो चैनल यूट्यूब जो आपका चैनल है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप तो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए आपको इसे सीखने को मिला है कि पता चले आप कहाँ गलती कर रहे हैं। क्वेश्चंस जो है वो लगभग हर जगह से पूछा है, सर्वेइंग से ज़्यादा है, एफएम से ज़्यादा है, बिलिंग डिटेल से 9-10 क्वेश्चन है ही हमारा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन है। सो होपफुली क्वेश्चंस ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत टफ है या बहुत मतलब हम इजी बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस क्योंकि डिग्री होल्डर्स हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस का सीरियस कैंडिडेट होगा या एई जेई का, वो आपका लगभग 70% 80% क्वेश्चन कर दिया होगा। जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस वैसे हैं जो एक दो क्वेश्चन जिसका आंसर आपका ऑप्शंस में है ही नहीं, हो सकता है उसमें मार्क्स टू ऑल मिले। सो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग। सो लेट्स डिस्कस। सो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग ही होता है हमारा किससे, बिल्डिंग मटेरियल से। सो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्डिंग मटेरियल का क्या है, बिल्डिंग मटेरियल का पहला क्वेश्चन बोलता है इमल्सन पेंट कंटेंट्स, क्लियर है ना। तो ये क्या बोल रहा है हमारा, इमल्सन पेंट कंटेंट। तो आपको पता है कि इमल्सन जो होता है हमारा पेंट जो होता है हमारा वो वाटर बेस्ड कोटिंग्स है हमारा। जो इमल्सन पेंट्स होता है हमारा वो इमल्सन पेंट्स क्या होता है हमारा, इमल्सन पेंट्स हमारा वाटर बेस्ड कोटिंग्स होता है हमारा, एक मिनट, ठीक है ना। अब इसका मेन मतलब क्या है समझिए, अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। ये हमारा जो है वाटर बेस्ड कोटिंग्स है हमारा, क्या है हमारा, वाटर बेस्ड कोटिंग्स है, क्लियर है ना। और आपका मेनली आपका इमल्सन पेंट्स हमारा दो तरह का होता है आपका, ध्यान रखिएगा। एक हमारा होगा ऑर्डिनरी इमल्सन होता है, अब मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, और एक हमारा ऑर्डिनरी इमल्सन होता है, और एक हमारा जो होता है थोड़ा महंगा होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक इमल्सन, ठीक है ना, मेनली इंटीरियर पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। अब दोस्त तो आपका इमल्सन पेंट जो है हमारा, इमल्सन पेंट्स में क्या होता है, कंटेंट्स बिल्डिंग मटेरियल्स, और उसमें क्या क्या होता है मेनली हमारा आपका ये पॉलीविनाइल एसीटेट होता है हमारा, कंटेंट्स मटेरियल सच एज क्या होता है हमारा, इसमें हमारा होगा पॉलीविनाइल एसीटेट, कंटेंट्स मटेरियल सच एज पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है ना। तो और इसमें कहीं 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 कभी कभी हम लोग सिंथेटिक रेजिन भी देते हैं, ठीक है ना, सिंथेटिक रेजिन्स भी देते हैं हम लोग, ठीक, क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप लोग इमल्सन पेंट अप्लाई करते हैं तो आप इसको फिर आप इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, जब इमल्सन पेंट अप्लाई करते हैं तो ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं लगभग आपका डेढ़ से दो घंटा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है हमारा वो है पॉलीविनाइल एसीटेट, क्या हमारा, पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है ना, क्या हमारा, ये पॉलीविनाइल एसीटेट है हमारा, ठीक है। इसका वन का ऑप्शन क्या हमारा, डी, वन का क्या होगा हमारा, वन का डी हमारा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड बोलता है इन ब्रीक मैसनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय लाइंग अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स इन ईच कोर्स बोल रहा है। तो आपका जो ये होता है हमारा ये डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, मैं वीडियो से समझाऊंगा कैसे डबल फ्लेमिश बॉन्ड होता है हमारा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो डबल फ्लेमिश बॉन्ड है हमारा इसमें बैक एंड फ्रंट फेस आर सेम इन अपीयरेंस सेम इन अपीयरेंस, क्लियर है ना। और ये आपका जो बॉन्ड होता है ये इनेबल करता है ब्रीक वार को टू हैव फ्लश्ड एंड यूनिफॉर्म फेस। सो this bond enables the brick wall to have flush and uniform face on both sides, दोनों साइड्स पर ध्यान रखिएगा, on both sides
सो जो दिस बॉन्ड इज नॉट, ये बॉन्ड जो होता है हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड. तो ध्यान रखिएगा, दिस बॉन्ड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज 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 डैट एज कम्पेयर टू द इंग्लिश बॉन्ड, एज कम्पेयर टू द इंग्लिश बॉन्ड, एज कम्पेयर टू द इंग्लिश बॉन्ड, एज कम्पेयर टू द इंग्लिश बॉन्ड. क्लियर है ना? क्यों? बिकॉज इसमें बहुत नंबर ऑफ स्ट्रेचेज होता है, एज इट कंटेंस मोर नंबर ऑफ स्ट्रेचेज, एज इट कंटेंस मोर नंबर ऑफ स्ट्रेचेज, मोर नंबर ऑफ स्ट्रेचेज. इसका आंसर क्या था हमारा? इसका आंसर हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड. क्लियर है ना? क्या हमारा? डबल फ्लेमिश बॉन्ड. क्लियर है ना? अब देखिए इसका, इसको हम एक आपको वीडियो समझा रहे हैं, इसको मैं एक वीडियो समझा रहा हूँ कि हमारा कैसे हमारा डबल फ्लेमिश बॉन्ड अल्टरनेट हेड्रन स्ट्रेचर होता है. तो ये देखिए आपको मैं वीडियो से समझा रहा हूँ, ये देखिए कैसे हमारा ये हमारा क्या है. स्टार्ट विद प्लेसिंग द स्ट्रेचर फर्स्ट आफ्टर लेइंग द मोटर बेड फॉर द कोर्स वर्क. Then we place a header after that. Again after header we place two stretchers. देखो header के बाद हम दो stretcher कर रहे हैं. देखिए कैसे हम लोग place कर रहे हैं. So overall when we see the course one we can see the arrangement of stretcher and header together in the same course. Now we start placing bricks in course two. In course 2, we start with a header instead of a stretcher, as we did in course 1. After that, we place a queen closure half. We create a lap joint of half brick thickness between course 1 and course 2. Due to this insertion of the queen closure half in between, the brick arrangement creates a lap due to which the vertical joints between two courses can be avoided. After placing queen closure half, we continue the course 2 with a typical double Flemish bond pattern. That is, two stretchers front and back. उसके बाद header हमारा. Now let's just place the course 2 above course 1. देखिए alternate header and stretcher हो गया हमारा. Alternate header, stretcher. Now place other course as well, which will be same as the course 1 and course 2. Every even number courses will be same and every odd number courses so uniform will be same arrangement of bricks. You can see the face appearance of the double Flemish in one brick thickness after every stretcher there is a header in each course. तो आपने क्या देखा हमारा यहाँ? आपने यहाँ देखा हमारा कैसे alternate header and stretcher हो रहा है. तो हमने यहाँ देखा कैसे alternate और header stretcher हो रहा है. ठीक है, इसका आंसर क्या था हमारा? डबल फ्लेमिश बॉन्ड था. क्या था हमारा? डबल फ्लेमिश बॉन्ड. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन. बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड से. जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिएगा तो अधिकतर जगह पूछता है, इस बात का ध्यान रखिएगा. और ये भी फेवरेट क्वेश्चन है. ये क्या होगा? 100 MPa. क्या होगा? 100 MPa. क्रशिंग स्ट्रेंथ एक्चुअली हम लोग क्या मेजर करने के लिए मेजर करते हैं? हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. क्या करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. तो थोड़ा समझते हैं हम लोग कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन हम लोग कैसे निकालते हैं. तो आप जो है मिनिमम लीजिएगा 3 नंबर, मिनिमम 3 नंबर लेंगे स्टोन का ड्रेस करके. 40 mm × 40 mm × 40 mm. क्लियर है ना? और आपका ये सैंपल ऑफ स्टोन लिए, सैंपल ऑफ स्टोन क्यूब्स लिए. क्लियर है ना? और इसको हम लोग फाइनली ड्रेस्ट करेंगे और आपका और फाइनली ड्रेस करके इसको फिनिश करेंगे ताकि हम इसको टेस्ट फर्दर टेस्ट के लिए हम इसको रेडी कर सके. क्लियर है ना? अब इसको हम लोग वाटर में प्लेस करेंगे 24 आवर्स के लिए, सो डैट कि एक कम्प्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाए. किसमें? कम्प्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाए. उसके बाद इसके ऊपर एक लोड बियरिंग सरफेस बनाएंगे POP लगा के. लोड बियरिंग सरफेस लगाएंगे जिसमें हम लोग POP यूज करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करेंगे. और उसका थिकनेस क्या होगा हमारा? 5 mm थिक होगा. क्या होगा हमारा? 5 mm थिक होगा. और उसके बाद हम लोग इस पे लगाएंगे एक्सियली लोड. क्या लगाएंगे हम लोग? एक्सियली लोड लगाएंगे. ठीक है ना? तो क्या लगाएंगे हम लोग? एक्सियली एप्लीकेशन ऑफ लोड लगाएंगे. क्लियर है ना? एप्लीकेशन ऑफ लोड. अब जब लोड लगाइएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके लोड का कुछ ना कुछ हमारा रेट होगा.
तो यहाँ रेट डिसाइड करते हैं हम लोग, लोड एप्लीकेशन रेट जो होता है हमारा वो 13.72 न्यूटन पर mm² पर मिनट, 13.72 न्यूटन पर mm² पर मिनट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होता है हमारा एप्लीकेशन लोड एप्लीकेशन रेट होता है हमारा, लोड एप्लीकेशन रेट होता है हमारा, क्लियर है ना। और आप लगाते लगाते आप अब क्या करेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर देंगे, क्या करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। और क्रशिंग स्ट्रेंथ जब फाइंड आउट करेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप देखेंगे कौन सा क्या हमारा मैक्सिमम लोड है, क्या हमारा मैक्सिमम लोड है आपका जहां सैंपल फेल कर रहा है, एट विच सैंपल सैंपल क्रशेज या फेल्स कर रहा है, सैंपल क्रशेज या फेल कर रहा है, अपॉन अपॉन एरिया ऑफ बियरिंग फेस ऑफ एरिया ऑफ बियरिंग फेसेज ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है ना, एरिया ऑफ बियरिंग फेसेज ऑफ स्पेसिमेन। तो क्या है हमारा एरिया ऑफ बियरिंग फेसेज ऑफ स्पेसिमेन, बियरिंग फेसेज ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्लियर है ना। अब देखिए कुछ इसका हम डाटा भी दिए हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, ये आप आपको एग्जामिनेशन से पूछ सकता है हमारा कि डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स का क्या हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स का क्या क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है। तो इग्नियस का हमारा सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक का, ठीक है ना, आपका PDF होगा आपका, जब आप देखेंगे कि हमारा ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा हमारा PDF, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ रहा है किसका, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये कितना होता है 30 मिनट्स होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट या 10 क्या होता है 10 आवर्स होता है, क्लियर ना, आपको पता है हमारा ये चीज आपको पता है। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, यहाँ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है हमारा वो यहाँ हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ हमारा आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ग्रेडिंग नहीं दिया है, क्या दिया हमारा ग्रेडिंग नहीं दिया है। तो सबसे पहले समझिएगा इस बात का कि अगर आपका, मैं आपको नोट में दे देता हूँ, IS आपका अगर 33 ग्रेड है तो ये IS 269989 बोलता है हमारा कितने लेने के लिए, आपका 30 मिनट ही लेने के लिए, कितना 30 मिनट लेने के लिए। वही 43 की बात करते हैं जो IS 8112989 है, ये भी बोलता है 30 मिनट ही लेने के लिए, क्लियर है ना। 53 भी हमारा जो IS 12269 1987 बोल रहा है हमारा, ये भी 30 मिनट ही लेने के लिए, क्लियर है ना। लेकिन अगर आपका रैपिड हार्डनिंग है, क्या हमारा रैपिड हार्डनिंग है हमारा सीमेंट, रैपिंग हार्डनिंग सीमेंट हमारा, और आपका रैपिंग हार्डनिंग सीमेंट हमारा IS 8041 पता हो आपको, पार्ट फर्स्ट 1990 आपको पता होगा, ये बोलता है रैपिड है हमारा, तो यहाँ हमारा 5 मिनट ही होता है, कितना होता है हमारा 5 मिनट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, क्लियर है ना। वही हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट होता है हमारा, पोजोलोना सीमेंट जो होता है हमारा, या सिलिकेट सीमेंट जो हम बोलेंगे, इसका भी 30 मिनट होता है, क्या होता है हमारा 30 मिनट। और यहाँ भी जो IS कोड होता है हमारा, IS कोड वो 1489 पार्ट फर्स्ट होता है, क्लियर है ना, ये भी कितना बोलता है 30 मिनट ही बोलता है, क्लियर है ना। अब इस बात का ध्यान रखिए, क्या हमारा इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से, हाँ अब आप तो हम क्या देख रहे हैं दोस्त, यहाँ हमने यहाँ देखा कि हमारा जो पोर्टलैंड पोजोलोना सिलिकेट सीमेंट है, जो हमने डिटेल्स लिख दिया आपका, ये भी 30 मिनट है, लेकिन ये 5 मिनट है रैपिड का, और लो हीट पोर्टलैंड का थोड़ा तेजी देर से होता है क्योंकि आपका हीट ऑफ फेडरेशन कम होता है, तो 60 मिनट है। तो आपका आप कैसे करते हैं इसे सेटिंग टाइम, 27 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। 300 ग्राम सीमेंट लेंगे, 30% बाई वेट ऑफ या 90 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे, सीमेंट पेस्ट बनाएंगे विकेट मोल्ड में, उसका स्क्वायर नीडल से उसको टैंपिंग करके, जो स्क्वायर नीडल का साइज क्या होना चाहिए 1 mm to 1 mm होना चाहिए, उसको अलाउ करेंगे, पेनिट्रेट करेंगे सीमेंट पेस्ट में, पेनिट्रेट करने के लिए उसको अलाउ करेंगे, और उसको शुरू में नीडल हमारा कम्प्लीटली पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, शुरू में नीडल हमारा कम्प्लीटली पेनिट्रेट कर जाना चाहिए, फिर उसको ऊपर उठाएंगे, फिर ड्रॉप करेंगे, प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते रहेंगे जब तक कि नीडल हमारा पूरा पेनिट्रेट करना बंद न कर जाए।
निडिल हमारा पूरा पेनिट्रेट करना बंद ना कर जाए, और हम लोग ध्यान रखेंगे कि आपका बॉटम विकेट मोल्ड के नीचे से हमारा निडिल हमारा 5 mm ऊपर तक पेनिट्रेट करे, उसके नीचे नहीं जाए। डैट मीन्स आपका निडिल शुड पेनिट्रेट अप टू अबाउट 5 mm मेजर्ड फ्रॉम बॉटम। तो इसी को बोलते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एडिशन ऑफ वाटर, डैट मीन गेजिंग टाइम से लेकर और उस टाइम तक जहां निडिल कंप्लीटली पेनिट्रेट करना बंद किया या हमारा 5 mm बॉटम से ऊपर जाके पेनिट्रेट किया। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है, ये हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कि मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर। तो रिटार्डर है भैया, तो क्या होगा रिटार्डर हमारा मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा होता है हमारा, जिप्सम होता है हमारा, ये हमारा एक्सेलरेटर होता है, आपको ही पता है। क्लियर है ना, ये क्या होता है हमारा एक्सेलरेटर होता है। तो रिटार्डर होता क्या, रिटार्डर करता क्या है भाई, रिटार्डर मेनली क्या करता है, स्लो डाउन द इनिशियल स्टेट ऑफ कंक्रीट, स्लो डाउन द इनिशियल स्टेट ऑफ कंक्रीट, दैट इज टू कीप द कंक्रीट वर्केबल, दैट इज टू कीप द कंक्रीट वर्केबल फॉर ए लॉन्गर टाइम फॉर प्लेसमेंट, फॉर ए लॉन्गर टाइम फॉर प्लेसमेंट। ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जितना भी है रेडीमेड कंक्रीट, जितना भी आजकल आज के जो आप देखिए बहुत जगह आजकल रेडीमेड कंक्रीट यूज कर रहे हैं, तो जितने भी रेडीमेड मतलब आपका डिजाइन जो आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है ना, रेडीमेड कंक्रीट जितने भी हैं वो मेनली क्या यूज कर रहे हैं, रिटार्डर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं आप आजकल, रिटार्डर यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, यूजिंग रिटार्डर। क्लियर है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री नॉट इंडोजिनस। तो आपका ऑब्वियसली से बात है बैम्बू केन और पाम जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये आपका, ये जो है आपका एंडोजिनस है। ठीक है ना, क्या हमारा एंडोजिनस है। और आपका देवदार जो है हमारा, ये क्या है, कॉनिफर ट्रीज है, या हम लोग बोलेंगे एवरग्रीन ट्रीज है, कहीं कहीं एक्सोजिनस भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, एवरग्रीन ट्रीज है हमारा, एवरग्रीन ट्रीज है हमारा। तो एक्चुअली में आपका जो ट्री का क्लासिफिकेशन हुआ है ट्रीज, या मैं इसको आगे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ट्रीज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रीज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ग्रोथ। क्लियर है ना, मोड ऑफ ग्रोथ। तो आपका जो है हमारा वो एक क्या है हमारा, कॉनिफर ट्रीज होता है हमारा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारा, एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, डेसीडुअस ट्रीज हमारा, और आपका ब्रॉड लीफ ट्री हमारा, ब्रॉड लीफ ट्रीज हमारा। क्लियर है ना। और आपका थर्ड हमारा क्या है, एंडोजिनस ट्री हमारा, एंडोजिनस ट्रीज हमारा। क्लियर है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आपका जो कॉनिफर ट्रीज है हमारा, इसका जो हमारा क्या खासियत है कि इसका जो लीव्स होता है हमारा वो फॉल तब तक नहीं करता जब तक कि नया लीव्स ना आ जाए। सो लीव्स ऑफ दिस ट्रीज डू नॉट फॉल टिल न्यू वंस आर ग्रोन। क्लियर है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक और खासियत है हमारा, ये हमारा क्या होता है, निडल शेप लिप्स होता है हमारा। साथ साथ इसका कोन, आपका कोन शेप्ड हमारा क्या होता है हमारा, आपका इसका फ्रूट्स होता है हमारा, जो मेल फ्रूट्स होता है हमारा कोन शेप्ड होता है हमारा। वुड भी क्या होता है हमारा, सॉफ्ट होता है हमारा वुड हमारा। क्लियर है ना। और आपका लाइट कलर्ड होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, लाइट कलर्ड होता है हमारा। और रेजिनस होता है हमारा। क्लियर है ना। और आपका लाइट वेट होता है हमारा, और आपका वीक होता है हमारा। और आपका एनुलर रिंग्स जो होता है हमारा, ये एनुलर रिंग्स दिखता है इसमें। सो अरे लाइट शो एनुलर रिंग्स भी दिखता है हमारा। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सास एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, देवदार हो गया हमारा, पाइन हो गया हमारा। क्लियर ना, सिदार भी होता है हमारा।
अब देखिए हमारा वही अगर हम बातें हैं ब्रॉड लिप्स में, तो यहाँ जो हमारा वो क्या होता है, फ्लैट ब्रॉड लिप्स होता है हमारा, क्लियर है ना। यहाँ लिप्स फॉल करता है ऑटम में, देखिएगा यहाँ लिप्स जो फॉल करता है हमारा वो ऑटम में फॉल करता है, और आपका फिर से न्यू अपीयर हो जाता है किस में, स्प्रिंग सीजन में, न्यू अपीयर इन स्प्रिंग, न्यू अपीयर इन स्प्रिंग। और साथ साथ आपका डू नॉट शो डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स, डू नॉट शो डिस्टिंक्ट एनुलर रिंग्स, आपका ये एनुलर रिंग्स भी ठीक से नहीं दिखाता है। साथ साथ इल्ड हार्ड वुड्स आपका इल्ड करता है, क्लियर है ना। और आपका क्लोज ग्रेंड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा क्लोज ग्रेंड आपका होता है हमारा, और आपका स्ट्रॉन्ग वुड्स होता है हमारा, क्लियर है ना। और आपका ये जो होता है हमारा हेवियर होगा हमारा इसका वुड, साथ आपका हेवियर होगा और साथ साथ ये क्या होता है हमारा डार्क भी होता है, क्लियर है ना, ड्यूरेबल होता है हमारा, क्लियर है ना। और आपका रेजिनस तो होता है हमारा कॉन्फ्रेंस भी होता है हमारा रेजिनस, ठीक है, मोर रेजिनस होता है, ठीक है ना, रेजिनस हमारा मोर होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया हमारा इसका, एग्जाम्पल में हमारा क्या आ गया, मैगोनीज हो गया हमारा, मैगोनी ट्री हो गया हमारा, MAH, इसका स्पेलिंग सही कर दूं मैं, इसका स्पेलिंग ठीक है ना, MAHOGANY। साथ साथ आपका शीशम भी हो गया हमारा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग कहाँ, एंडोजिनस पे, कहाँ आते हैं हम लोग, एंडोजिनस पे। तो दोस्त एंडोजिनस ट्री जो होता है हमारा ये आपका इनवर्ड्स ग्रो करता है, किधर ग्रो करता है हमारा, ग्रो इनवर्ड्स करता है, क्लियर है ना, ध्यान रखिए ग्रो इनवर्ड्स। देखते होंगे आप ये हमारा, हमने यहाँ क्या लिखा है, एंडोजिनस हमारा क्या है, देवदार नहीं है हमारा, बम्बू आपका इनवर्ड्स ग्रो करता है, पाम ट्री देखते होंगे, ठीक है ना, ग्रो इनवर्ड्स। साथ साथ आपका फाइब्रस होता है हमारा, फाइब्रस मास इज सीन इन देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस, इन देयर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस। एग्जाम्पल में क्या क्या आ गया हमारा, बम्बू हो गया हमारा, ठीक है ना, केन हो गया हमारा, पाम हो गया हमारा, सब क्या है एंडोजिनस है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपने, हमने आपको यहाँ नोट्स भी दे दिया, समझा भी दिया कि आपका जो ट्री का क्लासिफिकेशन होता है वो क्या हमारा, कैसा हमारा, किस मोड ऑफ ग्रोथ पे होता है। तो आपको मैं सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ, साथ साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड भी दे रहा हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहा हूँ, क्लियर है ना। अब आता है हमारा क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर, क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर। अब ध्यान रखिएगा दोस्त, जो क्विक लाइम होता है हमारा वो आपका कैसे बनता है, क्विक लाइम हमारा एक्चुअली होता क्या है, तो आपको जो स्टोन कंटेनिंग CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे 900 डिग्री सेल्सियस पे, क्लियर है ना, तो आपका वो 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद, ठीक है ना, 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के बाद सेवरल आवर्स तक, बहुत देर तक, सो आपका फॉर सेवरल आवर्स आप अगर 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट कीजिएगा तो आपका ये जो देगा हमारा यहाँ आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट्स आएगा। और इस प्रोडक्ट्स में जो आया इस यहाँ जो इसको हम एक तरह से क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैल्सिनेशन ऑफ CaCO3, यही बोलेंगे ना, कैल्सिनेशन ऑफ CaCO3। तो ये जो कैल्सिनेशन हो रहा है इस प्रोडक्ट्स में, CO2 को क्या कर लेंगे, हटा देंगे, CO2 को क्या कर लेंगे हम, हटा देंगे। तो जो रेसिड्यू बचेगा हमारा वो क्या बचेगा, क्विक लाइम बचेगा, क्लियर है ना। और ध्यान रखिएगा जो क्विक लाइम होता है हमारा यहाँ, जो यहाँ क्विक लाइम होता है दोस्त, यहाँ हमारा क्विक लाइम जो होता है हमारा, ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिए क्विक लाइम में हमारा होता क्या क्या है, कैल्शियम या आप मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा हमारा, और साथ साथ इसमें इम्प्योरिटीज भी होता है, क्या होता है, साथ साथ इम्प्योरिटीज भी होता है। इम्प्योरिटीज में क्या होगा हमारा, सिलिका होगा, आयरन होगा, अल्मोनियम ऑक्साइड होगा हमारा, क्या होगा हमारा, अल्मोनियम
क्या होगा साथ साथ अल्मोनियम ऑक्साइड होगा हमारा, तो आपका ये लेस देन इक्वल टू 5% होता है। अगर आपका ये 10% से ज़्यादा आया तो ये क्या बन जाता है हमारा, ये हो जाता है हाइड्रोलिक लाइम। क्या होता है हमारा, हाइड्रोलिक लाइम। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। दैट मीन्स इम्प्यूरिटीज अगर आपका 10% से ज़्यादा आया तो वही हमारा हाइड्रोलिक लाइम हो जाएगा। क्लियर है ना, तो आपका जो हमारा एक तरह से हम क्या बोलेंगे, क्लासेस ऑफ क्विक लाइम। अगर हम क्विक लाइम की बात करते हैं तो मेनली क्विक लाइम हमारा दो तरह का होता है। एक हमारा होता है हाई कैल्शियम जिसमें हमारा लेस देन 5% ऑफ एम जी होता है, और एक होता है हमारा डोलोमाइट। क्लियर है ना, यहाँ हमारा क्या होता है हमारा 35 to 40% क्या होता है हमारा एम जी होता है। ठीक है ना, इसको ना डोलोमेटिक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना, और आपका वही कैल्शियम में हम लोग वाटर अगर ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट करेगा इवॉल्व लार्ज हीट टू ब्रिंग द इंटायर मास टू अ बॉयल। अब जैसे देखते हैं जब प्लास्टर और पेरिस या वॉल पुटी के लिए जैसे पानी में थोड़ा सा पानी डालते होंगे क्विक लाइम में, थोड़ा सा क्या होता है हमारा, थोड़ा धुआं टाइप होता है, हीट ऑफ रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, लगता है कोई चीज़ बॉयल हो रहा है। ठीक है ना, कोई चीज़ बॉयल हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये हमारा क्या है, फाइनली डिवाइडेड। ठीक है ना, फाइनली डिवाइडेड हमारा होता है, और यही अगर आप कूल करते हैं थोड़ा देर छोड़ देते हैं तो यही बन जाता है हमारा पुटी जो हम लोग घर में यूज करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा आंसर क्या आ रहा है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना, तो आपका ये क्या था, हमारा क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विद वाटर था। क्लियर है ना, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट 7 days and 20 days। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है किस पे, वाटर सीमेंट रेशियो पे। किस पे डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे। और जनरली हम लोग का वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, 0.35 to 0.60। तो इस अगर इस बीच के रेंज में जाइएगा तो ये आपका आता है 0.667 आता है हमारा रेशियो। क्या आता है, 0.667, मतलब आपका 2/3 आता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2/3। लेकिन अगर यही हम वाटर सीमेंट रेशियो चेंज कर देंगे, तो जो हम टेबल दे रहे हैं ये टेबल देखिए, ठीक है ना, तो आपका थोड़ा वैरी करेगा। तो आप देखिएगा 0.35, 0.45 के 0.60 के बीच में हमारा ये 7 days हमारा ये 28 days है। क्लियर है ना, तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए। आप एक चीज़ हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपका जो टेंसाइल आपका सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कौन बोलता है हमारा, IS 5161959 ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा बोलता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने का जो दिया है IS कोड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ से भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको बता रहा हूँ कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है हमारा ये आपका 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ध्यान रखिएगा। यूनिएक्सियल मान लो, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है हमारा। वही अगर आप बात करते हैं बेंडिंग, क्या बात करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो ये हमारा 15% ऑफ क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और अगर हम बात करते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमारा, तो ये 20% ऑफ क्या होता है, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ये यूनिएक्सियल ऊपर भी लगा सकते थे, क्लियर है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, 10, 15, 20 टेंसाइल बेंडिंग और शियर। क्लियर है ना, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ इन ए कॉन्क्रीट द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट दिया हुआ है, फाइन एग्रीगेट दिया हुआ है, डिजायर्ड एग्रीगेट जो इकोनॉमिकल या पॉइंट ऑफ व्यू से 6.4 है, तो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट पूछ रहा है। आपको पता है प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट जो होता है हमारा, R = P2 - P1 - P1 × 100 होता है हमारा। क्लियर है ना, अब देखो ध्यान से, जो P2 है हमारा
ये क्या हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट, और आपका जो पी है हमारा ये क्या हमारा डिजायर्ड फाइननेस, डिजायर्ड फाइननेस मॉडुलस, मॉडुलस फॉर अ कंक्रीट मिक्स, फॉर अ कंक्रीट मिक्स ऑफ फाइन प्लस कोर्स एग्रीगेट, फाइन प्लस कोर्स एग्रीगेट, क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका जो पी वन है हमारा ये फाइननेस, एफ आई एन ई एन ई डब्ल्यू एस, फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट है हमारा, फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट है, क्लियर है ना। और आपका आर जो है हमारा ये क्या है डिजायर्ड फाइननेस, डिजायर्ड फाइननेस ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स, कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, एंड कोर्स एग्रीगेट, सॉरी ये आपका आर नहीं है, ये आपका पी, मैं दोबारा रिपीट कर दिया, कोर्स एग्रीगेट, क्लियर है ना। तो आपका आर जो है हमारा वो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट है, क्लियर है ना, प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हम क्या हो जाएगा हमारा 7.6 माइनस 6.4, पी टू हमारा 7.6 है, हमारा पी हमारा क्या है 6.4 है हमारा, जितना डिजायर्ड चाहिए आपका, और पी हमारा 6.4 है, और माइनस पी वन 2.8। तो ध्यान रखिएगा जो आपका डिजायर्ड होता है हमारा वो कोर्स से छोटा होता है और फाइन से हमारा बड़ा होता है। तो नीचे हमारा फाइन में से माइनस करना है और ऊपर हमारा कोर्स में से माइनस, मतलब फाइन को उसमें से घटाएंगे, बड़ा को छोटा में से, ऊपर हमारा कोर्स में से घटाएंगे। दैट मीन्स यही चीज आप याद रखिएगा, काफ़ी है। तो ये कितना आएगा 33.33%, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 33.33%, क्लियर है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरह हमारा बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो बिल्डिंग मटेरियल क्वेश्चन हमारे एक दो क्वेश्चन को छोड़कर हमारा कोई क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है ना। कोई आप अगर स्टूडेंट अगर आप पढ़ाई किए होंगे तो उसमें आपका 99% स्कोर होगा, क्लियर है ना, इसलिए आप फुल स्कोर भी हो सकता है। अब आता है हमारा सर्वेइंग, बोल रहा है रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क हमारा दिया हुआ है। आपको पता है बेंचमार्क रिड्यूस लेवल दिया हुआ है, बैक साइड दिया हुआ है, बैक साइड हमारा फर्स्ट साइड होता है, और बैक साइड जब फर्स्ट साइड होता है दोस्त यहाँ, तो आपका यहाँ आरएल पता होना चाहिए। डैट मीन्स अगर हम बोलते हैं कि अगर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है और हम मान रहे हैं कि ऊपर हमारा ऊपर है, तो अगर हम ये बोलते सॉरी ठीक है ना, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा टेरेन कहाँ जा रहा है, हमारा ऊपर जा रहा है दोस्त, तो अगर ये ए है और ये हमारा अगर अगर आपका यहाँ बैक साइड है, कॉलिमेशन है जीरो मान लिया हम, तो आपका ये आपका 1.215 है हमारा, अब आपका 1.810 है, मतलब ऑब्वियसली सी बात है 1.810 हमारा नेक्स्ट साइड जो हमारा वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा हमारा टेरेन नीचे फॉल करेगा, टेरेन नीचे क्या करेगा हमारा फॉल करेगा, कि सेकेंड साइड क्या बोलता है, अगर इफ बोलता है इफ सेकेंड रीडिंग इज मोर देन फर्स्ट रीडिंग देन देयर इज अ फॉल, देन देयर इज अ फॉल, जानते हैं ये कितना आ गया हमारा 1.810। और आपका अब स्टूडेंट कन्फ्यूजन यही हुआ कि भैया ये आर एल एक्स किसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, अगर ये बैक साइड है तो बैक साइड हमारा फर्स्ट नोन एलिवेशन पता रहता है, दैट मीन्स आपका बैक साइड का एलिवेशन मुझे आर एल पता होगा। सो आप ध्यान रखिएगा कि बैक साइड इज द स्टाफ रीडिंग टेकन एट ए पॉइंट ऑफ, ध्यान रखिएगा बैक साइड इज अ स्टाफ रीडिंग टेकन एट ए पॉइंट ऑफ नोन एलिवेशन, ध्यान रखिए नोन एलिवेशन एंड इट्स द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, इसको हम लोग प्लस भी बोलते हैं। तो आपका ये कितना आ गया 101.00। अब 100 अब आप देखो ध्यान से, अब मैं फिगर से सब कुछ तमाशा देकर दिखा रहा हूँ आपको। अब आपको ये अगर आपको इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन निकालना है, तो आप इसमें से जट मीन्स अगर मान लीजिए अगर आपका ये डैटम है, अगर ये डैटम है तो इसमें अगर आप ये जोड़ दिए और ये जोड़ दिए तो ये निकल गया। अब इसमें से अगर आप इसको घटा दोगे रीडिंग को, तो आपका ये आर एल निकल जाएगा, मुझे तो ही आर एल चाहिए हमारा। तो आपका ये जो आया हमारा ये क्या है 101.00 प्लस 1.215, और मुझे ए बी का जो चाहिए हमारा, बी का क्या आएगा, बी का हमारा जो आएगा आर एल हमारा वो क्या आ जाएगा 101.00 प्लस 1.215 माइनस 1.810। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया देखिए कितना आया हमारा, ये 101.00 है ना हमारा, ठीक है ना, मैं 101.00 प्लस 1.215 माइनस 1.810,
ये आ गया 100.405 मीटर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हमारा आ गया बी। क्या है इसका आंसर आया? इसका आंसर आया हमारा बी। अब देखो ध्यान से दोस्त, अब आता है हमारा एगोनिक लाइंस। एगोनिक लाइंस हमारा क्या होता है? आपको पता है कि चार तरह का लाइंस होता है हमारा। एक होता है हमारा आइसोक्लिनिक लाइंस। क्या होता है हमारा? आइसोक्लिनिक लाइंस होता है हमारा। एक होता है हमारा एक्लिनिक लाइंस होता है हमारा, और आपका एक होता है हमारा आइसोगोनिक लाइंस होता है हमारा, और आपका एक होता है हमारा एगोनिक लाइंस होता है हमारा। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाला जो है इसका रिलेशन डीप से है। तो अगर हमारा एंगल ऑफ डीप अगर हमारा सेम होगा तो उसको, अगर हमारा एंगल ऑफ डीप हमारा सेम है उसको बोलते हैं आइसोक्लिनिक, और अगर एंगल ऑफ डीप हमारा जीरो है इक्वेटर पे उसको बोलते हैं एक्लिनिक लाइंस। आइसोगोनिक से हमारा मतलब डिक्लाइनेशन से रिलेटेड है। अगर हमारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अगर सेम है तो उस लाइंस, उस पॉइंट्स, उस लाइन के मिडरी लाइंस को बोलेंगे आइसोगोनिक लाइंस। और अगर आपका एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अगर जीरो है तो उसको बोलते हैं एगोनिक लाइंस। तो यहाँ क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो डिक्लाइनेशन होगा। और जहाँ आपका एगोनिक लाइंस होता है वहाँ आपका ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों कॉन्साइड करता है। क्या करता है? दोनों कॉन्साइड करता है। क्या करता है? दोनों बोथ कॉन्साइड। क्लियर है ना? बोथ कॉन्साइड। और जनरली कहाँ होगा ये हमारा? पोल्स पे। कहाँ होगा हमारा ये? पोल्स पे होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको पता है कि सी सी इज इक्वल टू जो भी होता है हमारा 0.0875 डी स्क्वायर अपॉन आर होता है हमारा। तो आपका सी आर जो होता है हमारा वो 1/7 ऑफ सी सी होता है हमारा। तो सी 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 आर अपॉन सी सी क्या हो गया? 1/7 हो गया हमारा। ये मैग्नीट्यूड, बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 7 आ गया। क्या आ गया हमारा? 7 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब आता है व्हाट इज द होल सर्किल बेयरिंग ऑफ ए क्वाड्रेंट बियरिंग। तो आपका ये आपका क्या है हमारा? ये आपका ईस्ट है, और आपका ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब देखिए, अब हमारा बोल रहा है नॉर्थ और वेस्ट रिड्यूस्ड बियरिंग हमारा। तो डैट मीन्स आपका यही बियरिंग होगा हमारा 15 degree 28 minute। आपको पता है होल सर्किल बियरिंग हम लोग कहाँ से लेते हैं? अजीमत कहाँ से लेते हैं हम लोग होल सर्किल बियरिंग? हम लोग लेते हैं ट्रू नॉर्थ। नॉर्थ से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही होगा हमारा। इसका मतलब ये 360 डिग्री में से 15 degree 28 minute क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये कितना आएगा आपका? ये जो आएगा हमारा वो कितना आएगा आपका? 360 डिग्री में से 28 मिनट आएगा तो कितना आएगा? 344 degree 32 minute आएगा। क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आप देखिए ध्यान से। सो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस बहुत इजी आया है। क्वेश्चंस कोई ज़्यादा नहीं है, टफ है हमारा। क्वेश्चंस बहुत इजी आया है। कट ऑफ बढ़ेगा हमारा कंपेरेटिवली जो आप 2017 में हुआ, 16 में हुआ था हमारा, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आप बोल रहे हैं एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल रहा है। आपको पता है कि आपका ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जो चार तरह का होता है हमारा, डायर्नल, सेक्युलर, एनुलर, एनुअल, एनुलर और इरेगुलर। क्लियर है ना? वही अगर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या हमारा टेंजेंट टू द मैग्नेटिक मेरिडियन अगर जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा आफ्टर इंटरसेक्टिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डीप या एंगल ऑफ डीप। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डीप। तो आपका यहाँ तो आंसर होगा नहीं होगा एंगल ऑफ डीप, क्या होगा? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। इन ऑर्डर टू मेजर द बियरिंग ऑफ ए लाइन, अगर बोलता है कि हमारा मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन को अगर मेजर करना है तो थियोडोलाइट क्या प्रोवाइड होगा? तो थियोडोलाइट में टेबुलर और ट्रफ कंपास प्रोवाइड होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि टेबुलर और ट्रफ कंपास हमारा थियोडोलाइट को हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइंस को फाइंड आउट करने के लिए। उस और आपके और आपका हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के कवर पे फिक्स रहता है हमारा। सो इट्स फिटेड ऑन द कवर ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हमारा। वहाँ दो प्लेट रहता है हमारा, दोनों पे ग्रेजुएटेड प्लेट रहता है हमारा, और कंपास बॉक्स में दो प्लेट्स देंगे हमारा इंश्योर करने के लिए कि नीडल एंड्स हमारा सेंटर्ड पे। नीडल्स को हम लोग लॉक और रिलीज करते हैं पिन से। जैसे प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रेक पिन होता है हमारा, वैसे यहाँ हमारा पिन होता है हमारा। और जब रिलीज करेंगे तो आप टेलीस्कोप आराम से अजीमथ के अलोंग आप टर्न कर सकते हैं, सो डैट कि आपका नॉर्थ एंड जो नीडल का हो हमारा वो आपका क्या हो? जीरो पे कॉन्साइड करे। डैट मीन्स व्हेन रिलीज द टेलीस्कोप कैन बी टर्निंग अजीमथ टू मेक द नॉर्थ एंड नीडल पॉइंट टू द नॉर्थ।
by making it read 0, ताकि हमारा रीडिंग जो आएगा हमारा वो नॉर्थ रिस्पेक्ट में आएगा, और हम अजीमथ के अजीमथ रीडिंग लेंगे, ट्रू बियरिंग लेंगे, तो हमारा रीडिंग 0 के रिस्पेक्ट में आएगा, डेट मीन्स घट भर के नहीं आएगा। क्लियर है ना? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑन द टर्निंग पॉइंट, ऑब्वियसली इसकी बात है, अगर आपका यहाँ फर्स्ट रीडिंग ली है तो हम चलो अभी हम टेरेन कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आपका ये सेकेंड रीडिंग मान लीजिए छोटा हो गया हमारा, और आपका ये आपका क्या है बैक साइट है, ये इंटरमीडिएट साइट है, और आपका ये क्या है दोस्त फोर्थ साइट है। अब देखिए कि हमारा शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, डैट मीन्स ये हमारा क्या है टर्निंग पॉइंट है। जब टर्निंग पॉइंट होगा हमारा इस ये वाला होगा, तो आप इसी फोर साइड पे क्या लीजिएगा बैक साइड लीजिएगा, और फिर आगे क्या लीजिएगा आगे आगे क्या लीजिएगा आगे लीजिएगा आप विच ऑफ आगे क्या लीजिएगा आगे लीजिएगा आप इंटरमीडिएट साइड लीजिएगा या फोर साइड लीजिएगा, डिपेंड करता है कि हमारा नेक्स्ट हमारा सबसिक्वेंट इंटरमीडिएट है हमारा लास्ट साइट है। तो हमने क्या बोला विच ऑफ क्या बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑन ए टर्निंग पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑन ए टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट पे कौन साइट होता है हमारा, यहाँ हमारा बैक साइट है, और कौन साइट हमारा बैक साइट और फोर साइट हमारा। दैट मीन्स आंसर क्या आया हमारा इसका डी आया, क्या आया इसका आंसर हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा डी आया। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एगेट कैप बोल रहा है किससे फिटेड होता है, वैसे बात है एगेट कैप रहता है हमारा कहाँ प्रिज्मेटिक कंपास में रहता है एगेट कैप। एगेट कैप का फंक्शन क्या होता है, एगेट कैप हमारा जो पॉइंटेड पाइवोट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। सो एगेट कैप प्रोटेक्ट्स द पॉइंटेड पाइवोट। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी देखिए आप ये देख लीजिए आपका, या मैं आपको नोट्स आपको दे दिया हूँ मैं, ताकि आपको आप समझ जाइए इसमें हमारा डिफरेंट हमारा निडल है अल्मोनियम रिंग है, तो ये पिछले ही हमारा क्या है प्रिज्मेटिक कंपास है, ठीक है ना, प्रिज्मेटिक कंपास है, और आपका यही हमारा क्या है थर्ड नंबर हमारा एगेट कैप है, थर्ड नंबर ये हमारा क्या है एगेट कैप है, ठीक है ना, जो हमारा क्या कर रहा है पॉइंटेड ऑफ पार्ट ऑफ द आपको पाइवोट को क्या कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि वो ब्लंट ना हो और वो अपना पॉइंटेड रहे और वो अपना क्या करते हैं रीडिंग दे। सो नंबर ऑफ लिंक्स जो हमारा आ रहा है रेवेन्यू चेन में वो कितना आ रहा है, आपको ही पता है कि जो रेवेन्यू चेन होता है हमारा उसमें क्या होता है 33 feet लॉन्ग होता है हमारा, और आपका 16 links होता है हमारा। जब 33 feet होगा 16 links होगा हमारा, तो आपका ये 16 links, और इसके अलावा सुन लीजिए आप भाई गंटर्स चेन अगर लेते हैं आप गंटर्स चेन लेती है लीजिएगा, तो गंटर्स चेन में आपका क्या आएगा 66 feet आएगा और आपका 100 links आएगा, ठीक है ना। वही अगर आप इंजीनियर्स चेन लीजिएगा, एक बार यूपीपीएससी पूछा है इस पे इंजीनियर्स चेन पे, इंजीनियर्स चेन लीजिएगा ENGINEERS इंजीनियर्स चेन लीजिएगा दोस्त, तो आपका ये क्या आएगा 100 links आएगा और आपका 100 meter आएगा। वही अगर आप मैट्रिक चेन लेंगे, क्या लेंगे मैट्रिक चेन लेंगे आपका, तो 20 meter होता है हमारा 30 meter होता है, 30 meter के लिए 150 links होता है हमारा, और आपका 20 meter के लिए कितना होता है 100 links होता है। क्लियर है ना, क्वेश्चंस बहुत ईजी आ रहा है आप भी देख रहे हैं। अब आता है हमारा कि अगर आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ ए लाइन हमारा नॉर्थ 38 degree ईस्ट है हमारा, तो आपका होल सर्किल बियरिंग नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 38 degree, तो होल सर्किल बियरिंग भी क्या होगा हमारा सेमी रहेगा हमारा, इसलिए आपका ये आंसर क्या आएगा 38 degree ही आएगा। क्लियर है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड एट ईच ट्रैवर्स स्टेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो यहाँ मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, और आप मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, साथ साथ हर स्टेशन पे मैग्नेटिक मेरिडियन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली से बात है आपका कि आपका फास्ट तो होगा नहीं, तो आपका क्या होगा आंसर हमारा लूज नीडल मेथड। फिक्स नीडल मेथड तो होता नहीं है, तो लूज या फास्ट में अंतर था, फास्ट होता तब फास्ट का मतलब ही होता है कि भाई आप जब आप हर जगह हर स्टेशन पे आपको मैग्नेटिक मेरिडियन एस्टेब्लिश करना है, तो फास्ट का सवाल ही नहीं उठता, तो क्या आंसर आएगा लूज। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा आप, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका क्या है हमारा। तो ये देखिए आपका, ये आपका एक्सप्लेनेशन है हमारा,
और ये क्या बोलता है, लूज नीडल मेथड, हमारा फ्री नीडल मेथड भी बोलते हैं इसको हम लोग। और यहाँ लीनियर मेजरमेंट्स करते हैं चेन और टेप के हेल्प से, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही फास्ट नीडल मेथड हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू लूज नीडल मेथड। और फास्ट नीडल मेथड में हम, फास्ट नीडल मेथड में हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हर स्टेशन पे एस्टेब्लिश नहीं होता है, बस पहला स्टेशन पर एस्टेब्लिश कर दिए और जहाँ जहाँ मैग्नेटिक बेयरिंग निकालेंगे हम लोग वो पहला स्टेशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्लियर है ना। और यहाँ आप अदर लाइंस का मैग्नेटिक बेयरिंग कैसे निकालेंगे, फार्मूला मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस इंक्लूडेड एंगल्स, क्लियर है ना। तो ये आपका मोर एक्यूरेट है, क्लियर है ना। तो आप देखिए, ये आपका सर्विंग का क्वेश्चन था, सर्विंग क्वेश्चन हमारा कोई टफ नहीं था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, अगर आप रिविजन किए होंगे तो आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल्स पे। अब आता है हमारा कि टू क्लोज्ड कॉइल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस एस एंड टू एस, मतलब आपका कि आपका एक आपका दो स्प्रिंग है, आपका ये आपका एक आपका सीरीज है और आपका एक क्या आपका दोस्त एक आपका पैरेलल है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आपका सीरीज में अगर होगा हमारा, अब आपका सीरीज में होगा अगर हमारा, तो आपको पता है सीरीज में दो सम लेंगे तो वन अपॉन के इक्विवेलेंट सीरीज जो होता है हमारा वो क्या होता है, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू। तो ऑब्वियसली ये बात है वन अपॉन एस प्लस वन अपॉन टू एस, तो ये आ गया आपका थ्री अपॉन टू एस, तो के इक्विवेलेंट सीरीज जो हुआ हमारा वो टू एस अपॉन थ्री हुआ। अब आते हैं हम लोग किस पे, पैरेलल पे। तो अगर वही अगर हम बात करते हैं पैरेलल पे, तो आपका के इक्विवेलेंट पैरेलल जो होता है हमारा वो हम लोग लिखते हैं के वन प्लस के टू, तो आपका के वन प्लस के टू हमारा क्या आ गया टू एस प्लस थ्री एस, थ्री एस, क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम रेशियो देख रहे हैं, रेशियो हमारा ऊपर सीरीज है नीचे पैरेलल है, तो के इक्विवेलेंट सीरीज अपॉन के इक्विवेलेंट पैरेलल, तो आपका ये जो आएगा हमारा पैरेलल PARALLEL, ये हमारा जो आएगा हमारा ये क्या आएगा, ये आपका 3 अपॉन 2s डिवाइड बाय 3s, तो 3 अपॉन 2s इनटू 1 अपॉन 3 अपॉन 2s, अच्छा सॉरी 2s अपॉन 3 ना, ये आया ना हमारा 2s अपॉन 3 2s upon 3 into 1 upon 3s, s cancel हो गया हमारा, तो ये कितना आया 2/9, इसका आंसर क्या आया हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा C, क्या आंसर इसका आया हमारा, इसका आंसर आया हमारा C। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार गेट में ही पूछा है इससे कि मटेरियल ऑफ रबर बैलून हैज पॉइजन रेशियो 0.5। तो अगर आपका एक हमारा मान लीजिए कि आपका ये हमारा दिया हुआ है कि एलिमेंट और आपका ये आपका जेड है हमारा, ये आपका वाई है और ये एक्स है दोस्त, तो अगर आप बोलता है ये सिग्मा जेड है और आपका सॉरी ये ऐसे ले लो, ठीक है ना, ये क्या हमारा सिग्मा वाई है और आपका हम इसलिए ले रहे हैं ताकि सबका सेम डायरेक्शन ले रहे हैं, सिग्मा एस है, तो आप पढ़ रहे हैं कि डेल्टा वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ठीक है ना आपका, और वन माइनस टू म्यू, तो ये कितना आ जाता है हमारा, म्यू हमारा 0.5 है तो ये कितना आ गया जीरो, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आया हमारा जीरो, कितना आया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा आया जीरो आया, क्लियर है ना, क्लियर है ना। अब देखिए हमारा द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शियर, ये वो होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट चेंज करता है हमारा, क्या करता है साइन चेंज करता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है हमारा जहाँ कर्वेचर साइन चेंज कर, कर्वेचर हमारा अपना शेप चेंज करता है, ठीक है ना। अब जैसे हमारा मान लीजिए कि आपका ये जो हमारा ये यूडीएल ओवर हैंगिंग, तो इसका हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा हमारा ये ऐसी होगा हमारा, ठीक क्लियर है ना, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तो इसका मतलब ये जो है हमारा ये जो दोनों पॉइंट हमारा ये दोनों पॉइंट हमारा क्या है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शर। और आपको पता है कि अगर डिफ्लेक्टेड से अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है तो कर्वेचर हमारा डाउनवर्ड्स होता है, और अगर आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है तो कर्वेचर क्या होता है हमारा अपवर्ड्स होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये और ये पॉइंट जो हमारा ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन ऑन द इलास्टिक कर्व,
ठीक है ना. सो पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन ऑन द इलास्टिक कर्व इनटू द रिवर्स कर्वेचर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या बोलेंगे हम लोग? द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन ऑन द पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन ऑन द इलास्टिक कर्व इनटू रिवर्स कर्वेचर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्लियर है ना? और इस पॉइंट पे आपका क्या होता है? कर्वेचर चेंज होता है. अब आता है हमारा सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पैन एल एंड डेप्थ डी कैरीज ए सेंट्रल लोड डब्ल्यू. अब ध्यान रखिएगा दोस्त, आपका आपका सेंट्रल लोड डब्ल्यू हमारा सिंपली सपोर्टेड है. हमारा ये डब्ल्यू है और ये एल बाई टू है, ये एल बाई टू है और ये ए और ये बी हमारा. तो आपका यहाँ डेल मैक्स जो होगा हमारा वो तो लोड के नीचे होगा, वो होता है हमारा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई होगा हमारा. वही अगर आपका रेक्टेंगुलर अगर हमारा ये है सेक्शन हमारा और ये बी और ये डी है हमारा, तो आपका एफ मैक्स जो होगा हमारा वो एम इंटू वाई अपॉन आई होगा हमारा. आई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रेशियो निकालना है, तो आई हमारा कैंसिल हो जाएगा. एम हमारा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल बाई फोर हो जाएगा. बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमारा डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू, तो डब्ल्यू एल बाई फोर हो गया हमारा. वाई हमारा डी बाई टू अपॉन वाई. तो आपका डेल मैक्स अपॉन एफ मैक्स जो आएगा हमारा वो उसको सॉल्व कीजिएगा, एल स्क्वायर अपॉन 6ED आएगा. क्लियर है ना? इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इसका आंसर हमारा ए आएगा. क्या आएगा हमारा? ए आएगा. क्लियर है ना? आई आई कैंसिल हो जाएगा हमारा. क्लियर है ना? इस बात का ध्यान रखिएगा. 4 2 8 6 8 48 ऐसी हम देख रहे हैं हम लोग. अब आता है हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई ए यूनिट लोड. यूनिट लोड पूछ रहा है. तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपका ये दो स्प्रिंग है हमारा, क्या हमारा ये स्प्रिंग है हमारा, और स्प्रिंग में R इज इक्वल टू के डेल्टा लिखते हैं, और डेल्टा क्या होता है हमारा? डेल्टा हमारा स्टिफनेस होता है. स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग कितना स्टिफ है. स्प्रिंग जितना स्टिफ रहेगा डिफ्लेक्शन उतना कम देगा. क्लियर है ना? सो वी कैन से डेट डेल्टा जो होता है, डेल जो होता है हमारा, वो फ्लेक्सीबिलिटी का इनवर्स होता है. और एफ क्या हमारा यहाँ? एफ फ्लेक्सीबिलिटी है. तो ये बोल रहा है डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग, डेट मीन्स डेल नहीं जी के, ठीक है ना? सो डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग इज इक्वल टू आर अपॉन के. और बोला यूनिट लोड, जब यूनिट लोड होगा तो 1 अपॉन के, ठीक है ना? आर हमारा 1 है तो डेल इज इक्वल टू 1 अपॉन के आ गया. तो डिफॉर्मेशन हमारा किसके बराबर है? 1 अपॉन के. क्या होता है हमारा ये 1 अपॉन जो के हमारा, ठीक है ना? एक मिनट. हाँ ठीक है, 1 अपॉन के जो होता है हमारा, 1 अपॉन के क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होता है. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? फ्लेक्सिबिलिटी आएगा. क्या आएगा आंसर इसका? फ्लेक्सिबिलिटी आएगा. ठीक, क्लियर है ना? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बेंडिंग मोमेंट शियर इन सेक्शन इन कंजुगेट बीम. आपको पता है कि अगर आप कंजुगेट बीम मेथड यूज करते हैं तो रियल बीम और कंजुगेट बीम, ठीक है ना? रियल बीम और कंजुगेट बीम. क्लियर है ना? इस बात का आप ध्यान रखिएगा, रियल बीम और कॉन्जुगेट बीम. तो आपका रियल बीम में जो हमारा शियर फोर्स, रियल मुझे रियल बीम में स्लोप निकालना है कहीं पे, तो मैं वहाँ क्या निकालूंगा? मैं वहाँ निकालूंगा शियर फोर्स. और वही मुझे अगर कहीं क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैं कंजुगेट बीम में क्या निकालूंगा? बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा. इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन कंजुगेट बीम वो क्या देता है हमारा? डिफ्लेक्शन देता है. क्या देता है हमारा? डिफ्लेक्शन देता है. तो आप क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं क्वेश्चन हमारा बहुत इजी आ रहा है. क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन हमारा बहुत इजी आ रहा है. तो आप ऐसा नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं. क्लियर है ना? तो आप मतलब जब भी पेपर आता है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर कोशिश क्या कीजिए कि आप गुप्ता गुप्ता बना लें, SSC JEE प्रीवियस ईयर बना लें. और देखिए अब जितने भी जेई लेवल के एग्जामिनेशन से, चाहे SSC JEE हो, मैं बार बार समझाता हूँ इस चीज़ को कि लेवल बहुत बढ़ गया. आप चाहिए है कि हम थोड़ा सा चीज़ पढ़ ले, पुराने जो पहले कन्वेंशनल चीज़ जिस तरीके से आता था उस तरीके से कर ले. नंबर ऑफ सेटिंग्स होता है, हो सकता है कि आप हाइड्रोलॉजी इरीगेशन नहीं कर गए, आपके सेटिंग में हाइड्रोलॉजी इरीगेशन ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गया. तो इस चीज़ को आज के बच्चे समझ ही नहीं रहे. हमको लगता है कि अभी भी SSC JEE है, मतलब 300-400 घंटे का सब्जेक्ट है. नहीं, आपका SSC JEE पूरा ब्रॉड हो चुका है. इंजीनियरिंग सर्विस में सीट कम होने से SSC JEE में और कंपटीशन टफ हो गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट 7th पे है,
स्टेट गवर्नमेंट में जो बंदा जाएगा AE बन के, और जैसे जो वहाँ सेवेंथ सेवेंथ पे लेगा हमारा, तो मोर और लेस सैलरी क्या होगा, मोर और लेस सेम होगा हमारा। तो इसलिए हमारा हम बोलना चाह रहे हैं आपको इस बात का कि जैसे रेलवे में जो अभी JEE ज्वाइन कर रहे हैं ट्रेनिंग में, उनको 42-47 मिल रहा है सर, 42-43 thousand मिल रहा है, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग पर में तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात का कि आप अभी डीप स्टडी किया के लिए कन्वेंशनल नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको हर कुछ टच करना होगा, हर कुछ आपका लेवल, हर कुछ का आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और लेवल सेम होना चाहिए। क्योंकि आपका जब भी ऑनलाइन पेपर होगा तो आपको ये, और ऑनलाइन में रैंडमली अगर पेपर आ रहा है आपके पास, आपको कभी कुछ क्वेश्चन आ रहा है आपके फ्रेंड में, कुछ क्वेश्चन आ रहा है किसी और में, उसमें बहुत रिस्क हो जाता है। उसमें अगर आप हर सब्जेक्ट को पूरी तरह से एक ही तरीके से कंट्रोल नहीं किए हैं तो वहाँ आपको क्या होगा, रिस्क होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। अब देखिए आप अब हमारा द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल लाइज बिटवीन, ये हमारा क्या होता है, 0 to 0.5 ही होता है हमारा। अब इसका कुछ हम लिख देते हैं, म्यू कॉर्क जो होता है हमारा उसका 0 होता है, म्यू कॉर्क हमारा 0 होता है। वही हम म्यू कॉन्क्रीट लेते हैं हम लोग, ये हम लोग लेते हैं 0.1 to 0.2। वही अब अल्मोनियम जो लेते हैं वो 0.33 लेते हैं, क्लियर है ना। स्टील जो लेते हैं हम लोग वो लेते हैं 0.27 to 0.30, ठीक है ना। इंजीनियरिंग मटेरियल से बोल रहे हैं, म्यू हमारा निगेटिव भी होता है, अगर पॉलीमर फोम जाएंगे तो उसका म्यू निगेटिव होता है, क्योंकि पॉलीमर फोम हमारा लेटरली एक्सपेंड करता है, अगर उसको स्ट्रेच कीजिएगा तो लेटरली क्या होगा हमारा, एक्सपेंड करेगा, क्लियर है ना, लेटरली क्या होगा हमारा, एक्सपेंड करेगा। तो पॉलीमर हमारा लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल्स नहीं है, तो यहाँ मेनली यहाँ क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स का बात होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका म्यू आपका परफेक्टली इलास्टिक जो होगा हमारा रबर, उसका क्या होगा हमारा 0.5 होगा हमारा। वही मेटल का क्या होगा हमारा 0.25 to 0.40। वही आपका कास्ट आयरन का क्या होगा हमारा 0.2 to 0.3। और आपका म्यू रबर जो होगा हमारा वो आपका 0.45 to 0.50, क्लियर है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, पॉलीमर्स हमारा निगेटिव है, क्योंकि पॉलीमर्स हमारा निगेटिव पॉइजन रेशियो इसलिए दोस्त हमारा, क्योंकि उसको अगर आप स्ट्रेच कीजिएगा तो आपका लेटरली एक्सपेंड करता है, क्या करता है, लेटरली एक्सपेंड करता है। जब लेटरली एक्सपेंड कर रहा है स्ट्रेच करने पे, तो एक्सियल और लेटरल स्ट्रेंथ दोनों क्या हो गया हमारा, सेम आ गया। एक्सियल और लेटरल स्ट्रेंथ दोनों क्या आ गया, दोनों का साइन क्या हो गया, सेम हो गया। इसलिए पॉइजन रेशियो हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ अपॉन ओरिजिनल स्ट्रेंथ होता है हमारा, माइनस का माइनस ही रह गया, माइनस माइनस पॉजिटिव नहीं हुआ, इसलिए उसका निगेटिव होता है हमारा। अब ये बोल रहा है भैया कि आपका ये रेक्टेंगुलर है, ये बी है और ये डी है, और इसके अबाउट सीजी निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यू अपॉन 12, ये भी इजी क्वेश्चन है बहुत। इलास्टिसिटी बल्क मोटर से पूछ रहे रिलेशन, ये आपके जुबान पे याद होता है समय, ई इज इक्वल टू 3K1-2 upon m, क्लियर है ना, ए आ गया। वही हमारा ई सी जी के फॉर्मूला होता है हमारा, आपको याद होना चाहिए, इजिकल टू सी अपॉन 1+1/m। अब बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड सेंट्रल पॉइंट लोड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अभी तो हम किए हैं WLQ/48EI। देखो ध्यान से, इस पर मैंने आपको बताया है, ये आपको याद रखना चाहिए, C1 कोफिशियंट, C2 कोफिशियंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, FLQ/C1EI और FL2/C2EI डेल और थीटा में, अगर कैंटिलीवर है तब, क्लियर है ना। तो C1 आपको 38 to 48 6 to 1, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 16 24। तो अब वही अगर हमारा यहाँ है हमारा कोफिशियंट्स, तो इस बार का ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ 2-3 है, 6-2 है, 1-2 है, 16 14 टाइम्स है, क्लियर है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग किस पे, स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे। कॉलम एनालॉगी में हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम L/EI होता है, और ये बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बहुत हर जगह पूछता है, क्लियर है ना। अब आते हैं फिक्स्ड बीम बोल रहा है, फिक्स्ड बीम AB ऑफ स्पैन L इज सब्जेक्टेड टू ए क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्या बोल रहा है, A fixed beam AB of span L is subjected to a clockwise moment at a distance A from end A। तो आपका ये जो है हमारा, ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है हमारा M,
और ये ए से हमारा और आपका बी है, यहाँ से आपका ए है तो ये एल माइनस ए, और आपको पता है कि आपका एम ए बी जो होगा हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स वो क्या होगा, एम इंटू एल माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो आपका क्या आ गया, एम एल माइनस ए इंटू एम एल माइनस ए, ओके 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 एम ए एल माइनस ए, देखो यहाँ ध्यान से ये है ना आपका, मैं वहाँ कर दे रहा हूँ, ये देखिए एम बी फार एंड थ्री ए माइनस एल, बात बराबरी है ध्यान रखिएगा, एम बी थ्री ए माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर, एम बी थ्री ए माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर। इसको अगर हम अभी हम प्रूफ कर रहे थे, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रूफ मैं आपको डाटा ही दे दिया हूँ, प्रूफ क्या करूँ, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर क्या आया आपका, इसका आंसर हमारा यहाँ दिया हुआ है हमारा, ये आपको डाटा याद कर लीजिएगा, ये यहाँ हमने क्लॉकवाइज को निगेटिव पॉजिटिव माना है, तो ये आप देखो यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा, यहाँ भी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा हमारा। तो हिसाब बोल रहा है एम इंटू बी, मतलब आपका एम इंटू एल माइनस ए और आपका थ्री ए माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर है ना। तो आपका ये क्या आया, एम एल माइनस ए एल माइनस थ्री ए अपॉन एल स्क्वायर, और यही हम लोग लिखते हैं कहीं कहीं, अब देखो ध्यान से l माइनस ए है ना दोस्त, l l को हम लोग a प्लस l को हम लोग a प्लस या l माइनस ए को हम लोग b लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे एम बी एल माइनस थ्री ए अपॉन एल स्क्वायर, तो एम बी और a प्लस बी माइनस थ्री ए अपॉन एल स्क्वायर, तो एम बी और आपका b माइनस टू ए अपॉन एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको b मान रहे हो तो यहाँ आपने जो यहाँ लिखा l माइनस ए, एल माइनस ए के जगह पे आप क्या लिखोगे, b लिख दोगे, ठीक है ना, और आपका l माइनस थ्री ए है तो l के जगह पे a प्लस बी माइनस थ्री ए, और आपका ये b आ गया, a माइनस थ्री ए क्या हो गया, माइनस टू ए बी माइनस टू ए, ये भी आ सकता है हमारा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या आया, एम एल माइनस ए एल माइनस थ्री ए अपॉन अपॉन एल स्क्वायर, इसका ऑप्शन आप फर्स्ट, इसका ऑप्शन क्या हमारा फर्स्ट है। और हमने यहाँ साइन कन्वेंशन क्या माना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या माना नेगेटिव। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, तो आपका कॉलम एनालॉजी है, ये फोर्स मेथड होता है, क्या मेथड होता है, फोर्स मेथड होता है हमारा, या कॉम्पेटेबिलिटी मेथड होता है, या हमारा फ्लेक्सीबिलिटी मेथड होता है, और ये तीनों जो है हमारा, ये क्या हमारा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है ना, और आपका या हमारा इक्विलिब्रियम मेथड है, या हमारा स्टिफनेस मेथड है। अब बोला व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर, कुछ नहीं दोस्त, यहाँ r इज इक्वल टू टू, यहाँ भी r इज इक्वल टू टू, हम यहाँ एक लिखे, दो लिखे, तीन लिखे, चार, पांच, अंदर कहीं ज्वाइंट्स है नहीं, एक दो तीन चार पाँच छ सात छ, देखो छ और सात आठ नौ, छ सात, ये सिक्स हो गया हमारा, ये सिक्स और ये एट और ये नाइन, ठीक है ना, और ये टेन। तो ऑब्वियस सी बात है आपका एम जो है हमारा वो टेन आ गया, तो डी एस आया हमारा एम प्लस आर माइनस टू जे, तो टेन प्लस फोर माइनस आपका जे कितना है हमारा, फाइव है, तो टेन ये कितना आ गया, फोर आ गया हमारा, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फोर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फोर आएगा। देखो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट क्या गलती करता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स या नंबर ऑफ ज्वाइंट्स काउंट करने में मिस्टेक करता है, जैसे यहाँ मान लो यहाँ टेन और छूट रहा था, ये नज़र पड़ गया, तो ऐसी गलतियाँ होती है, आता चीज़ सब गलती हो जाता है। रिजिड ज्वाइंटेड, देखो रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम है, मतलब 3m प्लस r माइनस 3j जीरो होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3m प्लस r इज इक्वल टू 3j। अब बोल रहा है सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्क हमारा है जिसका स्पैन दिया हुआ है, राइज दिया हुआ है, और बोल रहा है स्प्रिंगिंग्स पे हमारा हिंज्ड है, यूडीएल लग रहा है हमारा थ्रो आउट 1.5 टन पर मीटर रन, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोल रहा है स्टोन्स का एट ईच ऑफ द स्प्रिंगिंग्स, इसका मतलब ये टू हिंज आर्च है, और अगर आप यहाँ निकालना स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन फॉर्मूला से
एच इज इक्वल टू आपका एम वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई अपॉन वाई स्क्वायर डी एस से, तो आपका कहानी ख़त्म है। आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको याद होना चाहिए कि अगर ये डब्लू है और ये पैराबोलिक है दोस्त, तो आपका यहाँ एच इज इक्वल टू डब्लू एल स्क्वायर अपॉन क्या होता है 8h, और आपका ये क्या हमारा ये h है और ये h है, तो इसका मतलब 1.5 इंटू 19 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 4, तो ये आएगा हमारा 16.92 टन्स। क्लियर है ना? तो इसका आंसर क्या आया हमारा, इसका आंसर आया सी। अब आ रहा है हमारा क्लिपरॉन्स थ्योरम इज नोन एज द थ्योरी ऑफ थ्री मोमेंट्स, ठीक है ना? इस तरह हमारा स्ट्रक्चर भी कीजिए। स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा स्टूडेंट घबराया होगा, न्यूमेरिकल्स कुछ तो याद नहीं होंगे, तो हो सकता है कि इसमें आपका अटेम्प्ट्स कम होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि अटेम्प्ट्स कम होना चाहिए। अब आते हैं सोयल मैकेनिक्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आई डी आपका जीरो से ज़्यादा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू वन, और मैं डाटा आपको लिख देता हूँ कि आपको यहाँ करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स निकालना है। तो आपका यहाँ जो आई डी हमारा जीरो से पंद्रह से आपका तीस, तीस से आपका पैंसठ, और पैंसठ से आपका पचासी, और पचासी से आपका सौ। तो अगर ये हम डिस्क्रिप्शन देंगे, यहाँ क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे हमारा, तो आपका यहाँ जो आएगा हमारा वो वेरी लूज होगा, हमारा वेरी लूज सोयल। वही अगर हमारा यहाँ लूज सोयल, यहाँ हमारा क्या देंगे मीडियम सोयल, और आपका यहाँ हमारा डेंस सोयल, और आपका यहाँ वेरी डेंस सोयल, ठीक है ना? तो ये याद रखिए, जीरो इंक्लूड रहता है हमारा। तो आपका आईडी होता क्या है, आईडी जो हमारा होता है वो तो कोहेसनल स्क्वायर के लिए जनरली यूज करते हैं, डिग्री ऑफ लूजनेस पता करने के लिए, और जो 0.91 और 0.32 होता है हमारा मैक्सिमम मिनिमम, 0.95 मैक्सिमम मिनिमम होता है हमारा। तो आपका ई मैक्स माइनस ई मिनिमम हमारा, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/γ मिनिमम माइनस 1/γ इज इंटू 100% लिखना है, ठीक है ना, 1/γ मिनिमम माइनस 1/γ मैक्स इंटू 100, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। सेकेंड बोलता है सोयल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से 3 के बीच में। आपको पता है कि सैंड होता है तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और कर्वेचर 1 और 3 के बीच में। वही ग्रेवल होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कर्वेचर 1 और 3 के बीच में, तभी हमारा वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड सैंड बोला जाएगा। इनऑर्गेनिक सोयल्स बोल रहा है विथ लो कंप्रेसिबिलिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं एल, एल यहाँ और यहाँ है, मतलब ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक सोयल पे, एस से हमारा क्या होता है, एस से हमारा क्या होगा, एस से हमारा सैंड, और क्ले ऑर्गेनिक सोयल हमारा क्या होगा, एम हमारा सिल्ट, इनऑर्गेनिक सोयल तो एम एल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम एल बोलेंगे। अब बोल रहा है मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर वी डार्सी लॉ इज अप्लीकेबल, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा है। डार्सी लॉ के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारा सॉयल जो होता है, यहाँ क्या होता है हमारा कि आपका सॉयल जो है हमारा वो आपका यहाँ लेमिनार फ्लो होना चाहिए। सॉयल हमारा कंप्लीटली क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। और थर्ड हमारा आपका यहाँ आपका वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन डायमेंशनल फ्लो होना चाहिए। तो लैमिनार के लिए एलन हेजन क्या बोलता है, एलन हेजन ने बोल रखा है कि भैया तुम अगर लैमिनार फ्लो चाहते हो तो आपका मैक्सिमम एज पर एलन हेजन, एलन हेजन क्या बोलता है कि द मैक्सिमम डाया ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डाया ऑफ द पार्टिकल फॉर द फ्लो टू बी लैमिनार, फॉर द फ्लो टू बी लैमिनार, अगर आप चाहते हैं कि फ्लो आपका लैमिनार हो और तो आपका क्या होना चाहिए 0.50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा सी। अब बोलता है द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉयल, ऑब्वियस की बात है कंप्रेशन इंडेक्स सी सी इज इक्वल टू 0.009
डब्ल्यू एल माइनस टेन होता है हमारा किसके लिए, ये होता है हमारा रीमोल्डेड, किसके लिए होता है हमारा, मिस्टेक हो गया, ऐसे मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस बात का, फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल ऑफ मीडियम सेंसिटिविटी, वही अगर हम देख रहे हैं CC इज इक्वल टू 0.007 WL माइनस 7, ये किसके लिए हमारा, फॉर रिमोल्डेड सॉइल्स ऑफ लो सेंसिटिविटी, क्लियर है ना, हाँ चीज का आंसर भूल गया, कंप्रेशन इंडेक्स WL बढ़ा दो बढ़ जाएगा, आंसर क्या हो गया इसका हमारा बी, क्या हो गया इसका आंसर हो गया बी। अब बोल रहा है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विद द सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल, ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा हमारा, प्लास्टिक लिमिट होता है हमारा, इक्विपोटेंशियल स्ट्रीम लाइंस क्या होता है हमारा, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, डी स्क्वायर 60 अपॉन डी 30 इंटू डी 10, ये होता है सी सी, यूनिफॉर्मिटी क्या होता है हमारा, डी स्क्वायर सॉरी डी 60 अपॉन डी 10, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ वो क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा आपका आंसर बी आएगा, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जीरो है भैया, जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स ही जीरो है तो सॉइल हमारा प्लास्टिसिटी बिहेवियर ही एग्जिबिट नहीं करेगा, क्योंकि डब्ल्यू एल और डब्ल्यू पी हमारा सेम होगा, जब डब्ल्यू एल डब्ल्यू सी पी सेम होगा हमारा तो एटरबर्ग्स लिमिट चार्ट में हमारा, आपका प्लास्टिक स्टेट तो हमारा क्या होगा, प्लास्टिक हमारा रीजन लाई नहीं करेगा, प्लास्टिक रीजन हमारा, क्लियर है ना। इसका मतलब आपका आप उसमें क्ले नहीं होना चाहिए और सिल्ट नहीं होना चाहिए, तो ये क्ले सिल्ट ये नहीं होगा, मतलब क्या होगा, सैंड होगा। बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉर वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है हमारा, ग्रेवल हमारा सॉइल है तो ये कहाँ जाएगा, प्रेफिक्स में, वेल ग्रेडेड हमारा क्या एडजेक्टिव है, मतलब करेक्टरिस्टिक्स गुणवत्ता बता रहा है, तो ये क्या जाएगा हमारा, सफिक्स में जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा जी डब्ल्यू, जी डब्ल्यू हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ कि क्वेश्चन आपका बहुत ईजी आ रहा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है सीपीएम पर्ट, क्या आ रहा है हमारा सीपीएम पर्ट, तो इस तरह से हम क्या देखें, हम देखें कि यहाँ क्वेश्चन हमारा फिर से हमारा जो आया यहाँ बहुत इजी आया, सॉइल मैकेनिक्स का बहुत इजी, आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। सीपीएम पर्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क, किसी भी परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिविटी, क्या बोलते हैं एक्टिविटी। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द नेटवर्क शोन इन फिगर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बोल रहा है। अब देखो पहला थ्री एंड फोर अकर्स आफ्टर इवेंट टू, करेक्ट है हमारा। इवेंट सेवन कैन अकर आफ्टर फोर, सेवन फोर के बाद होगा, लेकिन यहां डमी से कनेक्टेड है तो एक रिस्ट्रेन दे रहा है कि भाई सेवन तभी होगा जब थ्री और फोर दोनों हो गया रहेगा, मतलब आपका ये गलत है, लेकिन मैं यही नहीं करूंगा, मैं बेस्ट पॉसिबल आंसर देखूंगा। सेवन प्रीसीड सिक्स, सही है हमारा। फाइव फॉलोज इवेंट थ्री, ये भी सही है हमारा, मतलब आंसर क्या है हमारा बी। अब आते हैं ऑटो कैड पे। सो टू ऑप्टेन पैरेलल लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल और पैरेलल सर्कल हमारा क्या यूज करते हैं, ऑफसेट, क्या यूज करते हैं ऑफसेट, क्लियर है ना। और आप ऑफसेट के लिए क्या एक्टिव, क्या आप लोग टाइप लेटर क्या टाइप करते हैं, वो करते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, आउट करते हैं टाइप, क्लियर है ना। अब आता है हमारा विच मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइंस, 90 डिग्री स्ट्रेट लाइंस है तो सीधे आपका क्या बोलिएगा, ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो मोड को एक्टिवेट करेंगे किससे, F8 की से, किससे एक्टिवेट करते हैं, F8 की से करते हैं, क्लियर है ना।
किससे करते हैं, ध्यान रखिएगा एफ एट की से करते हैं, क्लियर है ना, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं हम लोग एफ एट की से। ठीक है ना, किसे करते हैं एफ एट की से करते हैं, ठीक है ना। अब आता है हमारा हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट्स, कितना ग्रिप पॉइंट्स होता है, ग्रिप पॉइंट्स आपका 5 होता है सर्कल पे, 4 आपका होता है क्वाड्रेंट पे और 1 होता है हमारा अंदर। कितने ग्रिप पॉइंट्स होते हैं, 5 होते हैं, क्लियर है ना। सो ग्रिप पॉइंट्स हमारा अपीयर करता है किस कलर में, ब्लू कलर में अपीयर करता है, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा तो ग्रिप पॉइंट्स आपका 5 होगा, अपीयर होगा ब्लू कलर में, ठीक है ना, और उससे आप ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आते हैं हम लोग स्टील डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स पे। ऑटोकैड का तो हो सकता है स्टूडेंट से नहीं हुआ होगा या गलती किए होंगे, जिनको एक्सपोजर है वही जानते होंगे, तुक्का लगाइएगा। तो आप अगर निगेटिव मार्किंग किसी एग्जामिनेशन में रहता है तो वहाँ तुक्का लगाया मत कीजिए। अब बोलते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट, ध्यान रखिएगा अंडर करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम वेट, क्यों, क्योंकि फॉर अ गिवन सेक्शन मॉडुलस हम ये माना गया है कि आपका इकोनॉमिकल होता है, क्यों इकोनॉमिकल होता है आपका, जिसका आपका मास पर यूनिट लेंथ इकोनॉमिकल होता है हमारा, जिसका मास पर यूनिट लेंथ हमारा कम से कम होता है, क्यों, क्योंकि अगर आपका ज़्यादा वाट वेट होगा तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्लियर है ना। और यहाँ प्लेट गडर है इस बात का ध्यान रखिएगा, मिनिमम वेट होता है हमारा जहाँ हम लोग आपका इकोनॉमिकल डेप्थ लेते हैं 1.1 m/σbt/tw, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। स्टिफनरिंग है प्लेट गर्डर, ध्यान रखिएगा यहाँ कन्फ्यूजन होता है, आप जैसे देखिएगा बकलिंग ऑफ वेव तब बकलिंग ऑफ वेव लगा दीजिएगा, नहीं बकलिंग ऑफ वेव हमारा जो होगा वो आपका बियरिंग स्टिफनर नहीं करेगा, क्लियर है ना। बेयरिंग स्टिफनर का मतलब होता है कि वो क्रशिंग ऑफ वेव को बचाता है, बकलिंग ऑफ वेव को नहीं, या वो टॉप फ्लैंज से बॉटम में जा क्या करता है लोड को ट्रांसफर करता है, इसलिए यहाँ बकलिंग मत लगा देना, क्लियर है ना। देखिए ध्यान से ये आपका क्या है, ये आपका क्या, मैं फिगर में समझा दिया हूँ आपको इसी क्वेश्चन पे कि आपका जो स्टिफनर्स लगाते हैं हमारा ये बियरिंग स्टिफनर से, एंड पे एंड स्टिफनर से हमारा, इंटरमीडिएट स्टिफनर से हमारा, ठीक है ना, बियरिंग स्टिफनर से लोड को ट्रांसफर कराते हैं हम लोग, क्लियर है ना। अब आपका बियरिंग स्टिफनर से हमारा क्या होता है, प्रिवेंट लोकल क्रशिंग ऑफ द वेव ड्यू टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड। और वही अगर हम बात करते हैं लोड कैरिंग स्टिफनर, क्योंकि आपका लोड कैरिंग स्टिफनर हमारा बकलिंग ऑफ वेव प्रोटेक्ट करेगा, इंटरमीडिएट स्टिफनर हमारा बकलिंग स्ट्रेंथ या स्लेंडर वेव के कारण या बकलिंग स्ट्रेंथ कैपेसिटी क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है हमारा। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा, और इसमें आपको दे दिया ये मैं आपको दे दिया हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपका ये जो है आपका ये आपका पुस्ता है, ध्यान रखिएगा ये आपका जो है ये आपका लगभग है। देखो एक दो क्वेश्चन बहुत फेमस है, जैसे आपका बॉन्ड वाला ब्रिक मेसनरी का कौन सा बॉन्ड क्या बॉन्ड है, और ये स्टिफनर स्टिफनर्स वाला ये हमारा क्या है, वैसे IS कोड में स्टिफनर्स दिया हुआ है उसको मैं इनकॉर्पोरेट कर दिया हूँ IS कोड वाला, ठीक है ना, क्लॉज 8.7 इसको भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा, आप यहां लिखिएगा ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द टॉप फ्लैंज टू द बॉटम। अब आते हैं हम लोग डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, क्लियर है ना दोस्त। तो आपका परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट पूछ रहा है, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि आपका एच वाई एस डी है कि नहीं, बहुत अच्छा यहीं सीधे 0.0012 नहीं, एच वाई एस डी अगर स्पेशल केस होगा तब तो जनरल केस में क्या लिखोगे 0.0015। तो आप ध्यान रखिएगा आपका क्लॉज नंबर 26.52.1 बोलता है कि आपका स्लैब में मिनिमम रिइंफोर्समेंट 0.15% होता है, लेकिन वो हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार से वेल्डेड वाइड फैब्रिक में 0.12% होता है। जो बच्चा 0.12 मारा होगा उसको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जनरल केस पूछ रहा है, मेंशन नहीं है एच वाई एस डी या वेल्डेड वायर फैब्रिक का, ये 0.15 ही होगा, 0.0015 ही होगा। अब बोल रहा है M150 मिक्स कंक्रीट, आपको पता है M40 से ऊपर जाइएगा तो आपका क्या होता है 1.9 न्यूटन पर mm² होता है, M40 से ऊपर जाने के बाद ही आपका बॉन्ड स्ट्रेस। तो आपको इसको kg per centimeter square में चेंज करना है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आएगा, लगभग 19
अप्रॉक्स कितना आएगा 20 kg/cm² आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो इसमें बच्चे गलती किए होंगे, ध्यान रखिएगा यूनिट का खेल है और मैं आपके यहाँ प्रूफ दे दिया हूँ कि M40 एंड अबव के पहले क्या होता है 1.9 होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों हमारा यहाँ 1.9 होता है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। अब ये क्या बोलता है हमारा समझिएगा यहाँ ध्यान से, ये बोलता है हमारा कि अगर आपका W जो है हमारा वो सर्कुलर स्लैब पे हमारा सर्कुलर स्लैब ऑफ रेडियस R पे लोड है तो मैक्सिमम रेडियल मोमेंट बोल रहा है। मैं देखो स्लैब पे हमारा रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल दोनों मोमेंट होता है, ठीक है ना। इसका आंसर होता है रेडियल में हमारा 3WR² / 16 होगा। कैसे होगा देखिए आगे, एक्चुअली में आप यहाँ देखिएगा ध्यान से दोस्त कि आपका सर्कुलर स्लैब्स आर मेनली सर्कुलर स्लैब जो हम लोग यूज करते हैं दोस्त, वो सर्कुलर स्लैब्स हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिजाइन ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक में, इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है हमारा। यहाँ हमारा टेंसाइल, और देखो दूसरी बात यूडीएल जब लगाओगे तो ये स्लैब हमारा सॉसेट से शेप हमारा क्या होगा डेवलप कर लेगा और रेडियल और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा। क्या करेगा हमारा रेडियल और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करेगा, रेडियल हमारा कन्वेक्स सर्विस क्रिएट करेगा और कंप्रेसिव हमारा कॉन्केव करेगा हमारा। ऑब्वियस सी बात है हमारा, क्लियर है ना, करेगा हमारा कॉन्केव मतलब आपका ऐसे क्योंकि कंप्रेसिव हमारा, और टेंसाइल मतलब क्या हुआ ऐसे क्योंकि हमारा ऊपर हमारा इलोंगेट हो गया, यहाँ हमारा क्या हो गया कंप्रेस्ड हो गया। तो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे हम लोग कन्वेक्स सरफेस के नीचे नियर, कहाँ कन्वेक्स क्यों, क्योंकि आपका कॉन्क्रीट किस में वीकर होता है टेंसाइल में होता है, रेडियल और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में। तो हम लोग रिइंफोर्सिंग बार्स हम लोग दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रेडियल एंड सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा स्लैब के सेंटर में हम लोग रिइंफोर्समेंट हम लोग राइट एंगल मेश के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और स्लैब के एज के पास इन द फॉर्म ऑफ रेडियल एंड सर्कमफ्रेंशियल बार्स यूज फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह हमारा लगभग 7 केस होता है, कितना केस होता है 7 केसेज होता है। मैं आपको बस एक केसेज बता रहा हूँ, एक केसेज में क्या हमारा सिंपली सपोर्टेड स्लैब है हमारा, ठीक है ना, विथ यूडीएल। तो आपका ये जो है हमारा ये हमारा सर्कुलर है, ये हमारा सर्कुलर है। तो आपका यहाँ हमारा ये आपका R है और आपका ये जो हमारा A है, ठीक है ना, और आपका ये सेक्शन हमारा, और आपका यहाँ जो है हमारा सेक्शन को अगर हम कट किए तो आपका यहाँ आपका क्या है हमारा दोस्त ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा लोड, क्या हमारा UDL है और ये हमारा 2 है कि रेडियल, अच्छा कैपिटल R ले लो ना, तो कैपिटल R है हमारा। तो आपका जो एम आर होता है हमारा क्योंकि मेरा यहाँ केस कौन सा है, मेरा यहाँ जो केस है हमारा वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब है हमारा ध्यान रखिएगा, इसलिए हम यही केस लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा होता है W upon 16 3 μ वजन रेशियो और आपका R²-R² वही अगर हम m थीटा सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये भी W upon 16 होगा लेकिन यहाँ A² 3 μ - R² ठीक है ना, क्या हमारा R² माइनस R² 1 + 3 μ और आपका V जो है हमारा वो 0.5 WR है। तो यहाँ तो आपका क्या सेंटर पे बोल रहा है, सेंटर पे R स्मॉल क्या हो जाएगा 0 और बोलता है क्या, ध्यान रखिएगा पहले मैं इसको लिख दूँ, MR हमारा क्या है रेडियल मोमेंट, ठीक है ना, M थीटा जो है हमारा वो सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट है, क्या हमारा सर्कमफ्रेंशियल मोमेंट है। और दोस्त हमारा और ध्यान रखिएगा V जो है हमारा वो रेडियल शियर फोर्स है R जो हमारा वो रेडियस ऑफ स्लैब है, रेडियस ऑफ
स्लैब है दोस्त, और आपका म्यू जो है यही हमारा खेल खेलेगा पूरा, पॉइजंस रेशियो है और ये हम लोग जीरो लेंगे फॉर आरसीसी रिनफोर्स कंक्रीट के लिए। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, जीरो ले सकते हैं क्योंकि हमारा, क्योंकि आरसीसी का कंक्रीट का, कंक्रीट का जीरो पॉइजन रेशियो बहुत बहुत कम होता है, तो अप्रोक्स जीरो मान लेंगे। और स्मॉल आर क्या बोलता है, एट एनी सेक्शन, एट एनी सेक्शन आर फ्रॉम ऑरिजिन, और आपका स्मॉल डब्ल्यू जो है हमारा वो क्या है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ UDL, इंटेंसिटी ऑफ UDL किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल जीरो हो गया, ये म्यू जीरो ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3W r² upon 16 आ गया हमारा, 3W r² upon 16 आ गया हमारा, आर स्क्वायर अपॉन 16 आ गया हमारा, ये क्या हमारा रेडियल, वही सर्कमफ्रेंशियल पूछता, बहुत जगह वो सर्कमफ्रेंशियल पूछ देगा, तो आपका ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो। तो देखो अब ये आपका, ये आपका क्या आ गया, ए आर स्क्वायर 3 plus μ। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपका स्मॉल आर जीरो हो गया तो ये भी हमारा सर्कमफ्रेंशियल भी हमारा क्या आ रहा है, जीरो क्या आ रहा हमारा, सेम ही आ रहा है, 3W r² upon क्या आ रहा, 16 ही आ रहा हमारा, क्लियर है ना। तो इसका ऐसा साथ केस है, लेकिन अब मुझे तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है, एक जो जो केस हम उसी केस को लेकर चल रहे हैं, ये अगर फिक्स लेके चलिएगा तो आपका वो W, अगर हमारा फिक्स्ड होगा तो W r² upon 16 आता है हमारा क्या, mr। वही अगर m थीटा लीजिएगा हमारा कहाँ, सेंटर पे, कहाँ सेंटर पे, m थीटा लीजिएगा हमारा तो ये भी हमारा W r² upon 16 आता है, क्लियर है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कहाँ, किस क्वेश्चंस पे, अब आते हैं हम लोग हाइड्रोलॉजी पे, कहाँ आते हैं दोस्त हम लोग, अब हम लोग आते हैं हाइड्रोलॉजी पे। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका आरसीसी का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन स्किप करने वाला क्वेश्चन था, अगर अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे आपको याद है ठीक है, नहीं तो वहाँ अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप इस ऐसा क्वेश्चन को स्किप कीजिए, जो ही नहीं आपको 100 में 100 लाना है। CBSE का एग्जामिनेशन नहीं दे रहा, आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जहाँ आपका मैक्सिमम अगर इस पेपर में देखा जाए तो 75 या 80% कट ऑफ जाएगा, नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है, कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है, लेकिन आपको 100% कट ऑफ थोड़ी जाएगा। अब देखिए हमारा, अब बोल रहा है सॉरी, अब बोल रहा है हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ वॉज गिवन बाई, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है हमारा वो किसने दिया था, ये हमारा एलके शर्मन ने दिया था, किसने दिया था, एलके शर्मन ने दिया था हमारा। अब आते हैं हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग पे, देखो भाई एच इज द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पर बोल रहा है, अबव द फ्लोर ऑफ थिकनेस टी इज एच, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द फ्लोर इज जी, जो बोल रहा है मिनिमम थिकनेस टी ऑफ द फ्लोर डाउन स्ट्रीम ऑफ द क्रेस्ट वॉल बोल रहा है, इसका ऑप्शंस कोई मैच नहीं कर रहा है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, क्लियर है ना। अब कैसे देखिए, सॉरी ये एक्चुअली हमारा ब्लेक स्क्रिप थ्योरी में, ठीक है ना, तो आपका यहाँ सेफ्टी अगेंस्ट, अगर हम बात करते हैं सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर का, इसका बात करते हैं हम लोग सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर का बात करते हैं, मैं ड्राइवेशन ही कर दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा कि अब देखिए हमारा ये हम यूनिट हाइड्रोग्राफ हमारा एल के शर्मन देगा हमारा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ना। हाँ ये हमारा नन ऑफ देम करेक्ट है, हमारा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में द ऑर्डिनेट जो होता है हमारा सब सॉइल, ऑर्डिनेट ऑफ द सब सॉइल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन
और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ऑर्डिनेट ऑफ द सब सॉइल ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव द बॉटम ऑफ द फ्लोर, अबव द बॉटम ऑफ द फ्लोर एट एनी पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा वो? वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा रेसिडुअल, एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा रेसिडुअल सीपेज. क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा रेसिडुअल सीपेज. क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेसिडुअल सीपेज. क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेसिडुअल सीपेज हेड. या रिप्रेजेंट करेगा अपलिफ्ट प्रेशर. क्या रिप्रेजेंट करेगा? अपलिफ्ट प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे. ध्यान रखिए इस बात का. क्या रिप्रेजेंट करेगा? अपलिफ्ट प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट पे. मान लेते हैं हमारा कि एच डैश जो है दोस्त हमारा, वो जो है हमारा, वो ऑर्डिनेट है हमारा किसका? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का फ्लोर के ऊपर. फ्लोर के ऊपर हमने मान लिया, ठीक है ना. और आपका वही डब, वही अगर आपका देखा जाए तो डब्ल्यू एच डैश जो होगा हमारा, वो क्या हो गया हमारा? अपलिफ्ट प्रेशर हो गया हमारा, जो एग्जर्ट करेगा हमारा प्रेशर, दैट इज बी एग्जर्टेड बाई, एग्जर्टेड बाई द परकुलेटिंग वाटर, परकुलेटिंग वाटर एट दैट पॉइंट, ठीक है ना. और आपने यहाँ W जो लिया वो क्या हमारा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, ठीक है ना. यहाँ W जो है, आ देखो सॉरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, देखिए ध्यान से यहाँ. तो दोस्त अब हमारा जो T है हमारा, वो क्या है? फ्लोर थिकनेस है हमारा. क्या हमारा? फ्लोर थिकनेस उस पॉइंट पे जहां आप, जहां आप अपलिट प्रेशर क्या कर रहे हैं? अपलिट प्रेशर का सेफ्टी देख रहे हैं कि उसके, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं. और जी हमारा क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना. इस बात का आप ध्यान रखिएगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द क्या हमारा? मटेरियल है. तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जो डाउनवर्ड फोर्स होगा हमारा पर यूनिट, डाउनवर्ड फोर्स जो होगा हमारा पर यूनिट एरिया ड्यू टू द वेट ऑफ फ्लोर, वो किसके बराबर होगा हमारा? वो आपका क्या होगा हमारा? आपका, ठीक है ना. अब ध्यान रखिए, ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लोर हमारा क्या होगा? डब्ल्यू जी टी होगा हमारा, ठीक है ना. और आपका अपलिफ्ट फोर्स जो होगा हमारा, अपलिफ्ट फोर्स हमारा ये क्या होगा हमारा? ये आपका हो जाएगा आपका वेट ऑफ फ्लोर के, वेट ऑफ फ्लोर के बराबर आएगा. इसका मतलब कि डब्ल्यू एच डैश और आपका डब्ल्यू जी टी, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ डब्ल्यू एच डैश को ही माना है अपलिफ्ट प्रेशर. तो आपका एच डैश जो हो गया हमारा, सॉरी जी टी आ गया. अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ से अब आपका टी जो है हमारा वो एच डैश अपॉन जी आ गया. हम क्या कर रहे हैं यहाँ कि जो एच डैश इज इक्वल टू टी जी है, तो दोनों तरफ से हम टी को माइनस कर रहे हैं. टी को क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं. अब क्यों माइनस कर रहे हैं आगे पता चलेगा आपको. तो एच डैश माइनस टी और टी जी माइनस वन, तो आपका जो t आ गया हमारा वो एच डैश माइनस टी अपॉन जी माइनस वन आ गया. क्लियर है ना? जी माइनस वन आ गया. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h अपॉन जी माइनस वन. और h को हम क्या मानेंगे? h को हम क्या मानेंगे? h को हम मानेंगे, देखिए क्या मानेंगे h को. एच को हम लोग मानेंगे, एच को मान रहे हम लोग ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हमारा था, हमारा टी वो अबव द फ्लोर था. अब हमारा आपका, आपका ऑर्डिनेट है हमारा. सो एच इज इक्वल टू, क्योंकि टी हमारा क्या है?
जो टी हमने एज्यूम किया है यहाँ वो टी हमारा फ्लोर थिकनेस माना, तो आपका फ्लोर थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर से हमारा रियल वर्टिकल इंटरसेप्ट मिलेगा। सो ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेजर्ड, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मेजर्ड अबव द टॉप ऑफ द फ्लोर, टॉप ऑफ द फ्लोर ध्यान रखिएगा, फ्लोर नहीं टॉप ऑफ द फ्लोर। तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया हमारा तो जी माइनस वन कहीं ऑप्शन में नीचे है ही नहीं। मुझे क्या जैसा लग रहा है कि आपका जो क्वेश्चंस में टाइपिंग मिस्टेक है कि आपका यहाँ एच माइनस टी होना चाहिए और यहाँ जी माइनस वन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका यहाँ कुछ है ही नहीं आपका क्वेश्चंस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेसीज थ्योरी क्या बोलता है भैया? केनेडी बोलता है बस बॉटम से, लेसीज बोलता है बॉटम और चैनल के दोनों से हमारा होता है। तो ये आपका डिफरेंस है लेसीज थ्योरी और केनेडीज थ्योरी के बीच में। आपका यहाँ बोलता है हमारा सॉरी एडीज आर जनरेटेड, क्या बोलता है हमारा एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम बेड एंड साइड्स बोथ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ जनरेशन, बोथ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ जनरेशन। क्लियर है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट, हमारा क्या वेटेड पेरीमीटर ऑफ ए रेजिम चैनल फॉर ए डिस्चार्ज। पेरीमीटर पता है आपको क्या होता है, 4.75 अंडर रूट क्यू, पुट कीजिएगा 4.75 इंटू अंडर रूट क्यू मतलब 8, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 मीटर। कितना आ जाएगा 38 मीटर। आंसर क्या आ गया इसका हमारा, द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डीइंग हेक्टेयर पर क्यू मैक्स डेप्थ ऑफ वाटर मीटर एंड बेस फीट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी चले है ना, तो डी अपॉन बी नहीं बी अपॉन डी ध्यान रखिएगा बी। अब बोल रहा है हमारा कि फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉयल दिया हुआ है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है, रूट जोन डेप्थ दिया हुआ है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉयल डी डब्ल्यू निकालना। मतलब अगर आपका कि अगर आपका ये सॉयल है मान लीजिए, अंदर मतलब मान लीजिए सॉयल है हमारा और आपका यहाँ ये आपका जो है हमारा, इसके नीचे तो हमारा वाटर खींच नहीं सकता है, यूज हो नहीं सकता है। ये हमारा दिया हुआ है 15%, चलिए हमारा रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट हमारा है नहीं। ये आपका एफसी दिया हुआ है 25%, इसका मतलब मुझे मेरे पास जो अवेलेबल यूज करने के लिए, ये 25% माइनस 15% है हमारा, यही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डी एक कसम ये बोलेंगे कि 25 माइनस 15 अपॉन 100 इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, मतलब गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू अपॉन गामा इंटू डी। इसको सॉल्व कीजिएगा डी डब्ल्यू को तो आपका ये क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 10 इंटू वन, आपका 25 माइनस 15 हमारा और ये 1.5 है, 1.5 इंटू 80 अपॉन 100, ठीक है ना, इंटू 10। क्यों 10 आया हमारा, नीचे हमारा हमने गामा क्या ले लिया, यहाँ आपका डी डब्ल्यू हमारा क्या आ गया हमारा 25 माइनस 15 हमारा 10 अपॉन 100 और आपका गामा हमारा दिया हुआ है 1.5। हाँ देखो ध्यान से, गामा अपॉन ये स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट है, मतलब आपका एक तरह से गामा डी, एक तरह से हमारा गामा डी जो बोलोगे आप वो अपॉन गामा डब्ल्यू दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका 1.5 है हमारा, ठीक है ना, और आपका ये 80 सेंटीमीटर है हमारा। क्लियर है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये डिसमल हटा दिए तो यहाँ क्या आ गया 10 आ गया, 10 और आपका ये 0 कैंसिल, 5 3 2 और आपका ये 4, ये कितना आया 12 सेंटीमीटर आ गया। इसका आंसर क्या आया हमारा, इसका आंसर आया हमारा सी। क्या आया इसका आंसर हमारा, सी आया सॉरी। सो अकॉर्डिंग टू लेसीज स्लिट थ्योरी पेरीमीटर ऑफ ए चैनल, अभी हम किए हैं पी इज इक्वल टू क्या किए हैं 4.75 अंडर रूट क्यू, तो क्यू टू द पावर 1/2।
अब बोल रहा है कैनल विच इज अलाइन एट राइट एंगल टू द कंटूर। ध्यान रखिएगा कैनल का अलाइनमेंट जो कंटूर पे होता है हमारा वाटरशेड कैनल होता है, कंटूर होता है और साइड स्लोप कैनल होता है हमारा। तो राइट एंगल पे हमारा क्या होता है, साइड स्लोप कैनल होता है। क्या होता है हमारा, साइड स्लोप कैनल होता है हमारा। साइड स्लोप कैनल हमारा नेचुरल ड्रेनेज ऑफ द कंट्री से हमारा क्या होता है, हमारा पैरेलल होता है, कोई भी क्रॉस ड्रेनेज को इंटरसेप्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। और कंटूर हमारा कंटूर के लॉन्ग चलता है हमारा, वाटर शेड हमारा दोनों साइड चलता है वाटर शेड के लॉन्ग। अब बोल रहा है क्रॉप हमारा जिसको टोटल डेप्थ हमारा 90 सेंटीमीटर ऑफ वाटर चाहिए, बेस पीरियड चाहिए, फिर सेम क्वेश्चन डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी। आपको पता है ये मीटर में होना चाहिए, ये डेज में होना चाहिए और आपका ये सॉरी ये आपका ड्यूटी है, ये आपका हेक्टेयर्स आपका पर क्यूमेक्स, ठीक है ना, हेक्टेयर और आपका ये डेज में होना चाहिए। तो आपका यहाँ निकालना है ड्यूटी, तो मतलब 8.64 अप इनटू 110 डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 100, ये कितना आएगा 1056 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। क्लियर है ना, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी आया है, ध्यान रखिए कुछ क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स आए। और गैरेट्स डायग्राम हम लोग किस पे बेस्ड है, कैनेडिस डायग्राम पे बेस्ड है। क्यों, फॉर डिजाइनिंग चैनल डायमेंशंस बेस्ड ऑन किसका, कैनेडिस थ्योरी। चैनल डायमेंशंस का प्रोसीजर है, प्रोसीजर मैं नहीं पता कर रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। फॉर डिजाइनिंग चैनल डायमेंशंस ऑन कैनेडिस थ्योरी, बेस्ड ऑन कैनेडिस थ्योरी। अब आते हैं हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग पे। एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 10 मीटर, ध्यान रखिएगा एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग। एक्सपेक्टेड आउट टर्न होता क्या है, ये बोलता है किसी, एक्चुअली ये एक तरह से हमारा क्या है, एक तरह से हमारा डिलीवरी है हमारा। सो कितना आपको इंसान चाहिए काम करने के लिए, सो वी कैन से डैट कितना इंसान, ये हम गलत बोल दिए, वी कैन से डैट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। सो द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाई एन आर्टिजन और स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ वर्क पर डे। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क वर्क या टर्न आउट ऑफ लेबर। तो ध्यान रखिएगा एक्सपेक्टेड आउट टर्न या टर्न आउट जो भी है ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग जो सीमेंट मोटर हमारा कितना होता है, 8 square meters होता है। क्लियर है ना, तो आपका ये जो है हमारा, आपको 12 mm के लिए हमारा 3 mansions की जरूरत पड़ती है, 3 मजदूर्स और 1 की। क्लियर है ना, और आपका प्लास्टर 40 square meters पर डे दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 40 square meters पर डे, ठीक है ना, यहाँ 40 square meters पर डे, इस बात का आप ध्यान रखिए 40 square meters पर डे, लेकिन मेरे पास कहीं भी 40 है नहीं। क्लियर है ना, इसलिए आप यहाँ देखिएगा कि देखिएगा यहाँ कि हमने यहाँ 8 square meters डाला है, इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सा बुक्स जो है वो IS कोड को ना फॉलो करते हुए डायरेक्ट लिख दिया है 8 square meters, ठीक है ना, कहीं सोर्सेज है नहीं। लेकिन अगर मैं कोड के अकॉर्डिंग चलूंगा तो इसमें मार्क्स टू ऑल मिलेगा, क्योंकि आपको 12 mm प्लास्टरिंग सीमेंट मोटर में एक्सपेक्टेड आउट टर्न जो हमारा है वो 40 square meters है, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन अगर मान लीजिए RSM SSB अगर कहीं से क्वेश्चन उठा के दे रहा है, क्योंकि जहाँ भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है वहाँ 8 square meters ही है, लेकिन 8 square meters होगा नहीं, 40 होगा। एज जैसे आप जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का मेन बुक है BN दत्ता,
उसमें भी हमारा 40 दिया हुआ है, ठीक है ना। इस बार का ध्यान रखिए कि यहाँ हो सकता है मार्क्स टू ऑल मिले, या आपका जब आंसर की निकलेगा तो आप यहाँ रेज कर सकते हैं। सोर्सेज में आपको यहाँ डाल दिया हूँ, यहाँ सोर्सेज में डाल दिया हूँ, ठीक है ना। सो इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल ईच। अब देखो दोस्त, ये आपका बोल रहा है कि आपका ये शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका आपका क्या करते हैं हम लोग कि आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल ले लेते हैं हम लोग। आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल ले लिए और प्लस हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल और इस साइड जुड़ते हैं। जब आप हाफ ब्रेथ, देखो इसका मतलब आपका सी आंसर तो होगा ही, लेकिन आप हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल और इस साइड जोड़िएगा तो वो तो हमारा क्या हो जाएगा, एक फुल ब्रेथ हो जाएगा हमारा। इसका आंसर ए भी हो सकता था, लेकिन आपका एमएसक्यू तो है नहीं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है नहीं, तो आपका ए बन कैसे रहा। ए तो हमारा सी के बाद बन रहा है ना, पहले तो सी बन रहा है, इसलिए बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या है, सी। इसलिए इसमें जो सी मारा होगा उसी को आंसर मिलेगा, जो ए मारा होगा उसको आंसर, उसको नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये s बाई टू और ये s बाई टू हमारा ऐड होके, s बाई टू प्लस s बाई टू हमारा ऐड होके s देगा, ठीक है, हमारा s दिया, लेकिन पहले एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले तो हमारा ये हो रहा है ना, इसलिए हमारा जो सी आंसर किया हुआ उसी नंबर मिलेगा। सो ड्यू टू चेंजिंग प्राइस लेवल ए रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स, कितना परसेंट होता है हमारा 5%, कितना परसेंट हमारा 5%, क्लियर है ना। अब बोलता है एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस। अब देखो ध्यान से, आपका स्लोपिंग सरफेस हमारा ये हमारा है, ठीक है ना, और आपका ये डी हमारा, और आपका ये एस एस टू वन है, एस एस टू वन है, मान लेते हैं दोस्त एम्बैकमेंट है हमारा, और आपका ये बी है, तो ऑब्वियसली से बात है आपका ये सॉरी और ये आपका क्या हो जाएगा एस डी, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा एस डी। लेंथ जो है हमारा, वो लेंथ कितना है हमारा एल है, तो आपका स्लोप का जो आएगा हमारा, आपका ये एस डी हो गया और ये डी हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्त एस वन प्लस डी स्क्वायर। इसका मतलब कि आपका एस वन प्लस डी स्क्वायर हमारा जो मीन स्लोपिंग हमारा एक तरह से एरिया हो गया हमारा आपका, तो उल्टा कर दिया, डी आएगा ये एस, ठीक है ना। ये आपका कॉमन आ जाएगा, तो एस स्क्वायर डी स्क्वायर, डी कॉमन आ गया, वन प्लस एस स्क्वायर, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका जो मीन स्लोपिंग जो आपका हमारा है, मीन स्लोपिंग ब्रेथ इनटू लेंथ जो है हमारा, वो क्या हमारा आपका डी कॉमन एस स्क्वायर और प्लस वन, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया हमारा, और आपका डी क्या हमारा मीन डेप्थ हमारा, इसलिए आपका एरिया जो होगा हमारा वो आपका लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्लोप हमारा क्या है, लेंथ दो है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा टू एल डी एस स्क्वायर प्लस वन। आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर क्या आएगा, आंसर बी आएगा हमारा, ठीक है ना। क्योंकि तो आपका बोल रहा है एरिया ऑफ स्लोपिंग सर्फेस, स्लोपिंग सर्फेस हमारा एक इधर भी है और एक इधर भी है, इसलिए इसके लिए टू। और आपका ये हमारा क्या है, मीन स्लोपिंग ब्रेथ इनटू लेंथ ये क्या दे दिया हमारा मीन एरिया, और आपका दो है तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पे। फाइंड द सरफेस टेंशन इन सोप बबल ऑफ 40 mm डाया व्हेन द इनसाइड प्रेशर दिया हुआ है अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुछ नहीं, पी इज इक्वल टू पता है 8σ/d, सिग्मा इज इक्वल टू पी डी अपॉन 8। तो आप पुट कर दिए 2.5 इंटू 40 इंटू 10⁻³, क्योंकि मीटर में है, अपॉन 8। ये कितना आ गया 0.0125 न्यूटन पर मीटर। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा ए। तो ध्यान रखिएगा कि प्रेशर इनसाइड ड्रॉप जो होता है हमारा सॉलिड मतलब लाइक स्फीयर में, उसमें होता है 4σ/d, वही प्रेशर इनसाइड बबल में हमारा 8σ/d, वही प्रेशर इनसाइड जेट में हमारा 2σ/d। आपको याद होना चाहिए प्रेशर इनसाइड जेट हमारा 2σ/d, प्रेशर इनसाइड बबल हमारा 4σ/d, और प्रेशर इनसाइड सॉरी 8σ/d, और प्रेशर इनसाइड हमारा जो ड्रॉप होगा हमारा वाटर ड्रॉप ड्रॉपलेट्स स्फीयर साइड के जो अटेंड करता है उसमें क्या होगा हमारा 4σd, क्या होता है हमारा 4σ/d।
आ ही गया हमारा क्वेश्चन, प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट हमारा ध्यान रखिए क्या हमारा वाटर ड्रॉपलेट हमारा 4σ/d क्लियर है ना, मतलब आपका यहाँ जो हमारा है ये इस टाइप का हमारा बनता है ना क्रॉस सेक्शन। ये पी और ये हमारा सिग्मा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन, आपको पता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस चेंज डी थीटा अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, इट्स अ शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, क्यों ये जो होता है हमारा ये क्या होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ही होता है, क्लियर है ना। डायनामिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या सीजीएस यूनिट में क्या बोलते हैं हम लोग पॉइस, और आपका वन पॉइस जो होता है हमारा वो कितना होता है वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर सॉरी पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है हमारा एम एल इनवर्स टी इनवर्स। सब जब याद कर ले सब एकदम कॉमन क्वेश्चन है। क्वांटिटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है हमारा, मास पे बेस्ड है हमारा। डिस्चार्ज ओवर ट्रायंगुलर नॉच, ऑब्वियस सी बात है आपका ये हमारा 8/15 एक ही जगह आ रहा है, 8/15 तो होता ही है हमारा, तो आपका 8/15 तीन जगह नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो, और हमारा सी डी रूट जी 5/2 होता है। टोटल प्रेशर ऑन ए प्लेन सरफेस पी ए इंक्लाइंड एट थीटा, कोई मतलब नहीं है फोर्स थोड़ी निकाल रहे हो। डिस्चार्ज थ्रो फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिक, फुल्ली सबमर्ज ऑरिफिक बोल रहा है डिस्चार्ज आपका, क्लियर है ना, डिस्चार्ज थ्रो फुल्ली सबमर्ज ऑरिफिक बोल रहा है। तो दोस्त हमारा फुल्ली सबमर्ज ऑरिफिक होगा हमारा, तो मान लीजिए कि आपका ये जो है हमारा फुल्ली सबमर्ज ऑफ ऑरिफिक है हमारा, और आपका ये जो हमारा एच वन हाइट बोल रहा है कि आपका एच वन जो हमारा सॉरी एच वन जो हमारा वो ऑरिफिक के टॉप हाइट है, और बॉटम हमारा क्या है एस टू है हमारा, क्या है हमारा क्या है हमारा ये एस टू है हमारा, और आपका दोनों वाटर लेवल का डिफरेंस क्या हमारा एच है, ये क्वेश्चन है मेंशन है वेना कॉन्ट्रैक्टर, क्लियर है ना दोस्त। तो आपका क्यू जो यहाँ वी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, क्यू इज इक्वल टू ए वी, ए हम क्या लिखेंगे और कोफिशिएंट और एक्चुअल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमारा विदाउट सीडी होगा, एक्चुअल हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया, एरिया हमारा बी इनटू एच टू माइनस एच वन इनटू वेलोसिटी रूट टू जी एच। इसका आंसर क्या आया सी डी बी एच टू माइनस एच वन रूट टू जी एच, आंसर क्या आ गया इसका बी आ गया, क्या आ गया हमारा बी। प्रेशर मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर, जीरो ऑफ प्रेशर एब्सोल्यूट, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आपका यहाँ देखिएगा आप कि एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमारा एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर, तो आपका देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर जो हमारा है उससे आप जब करते हैं तो आपका क्या होता है हमारा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो हम लोग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर को क्या बोलते हैं कंप्लीट वैक्यूम बोलेंगे, तो आपका ये क्या होगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, क्लियर है ना। सो आप क्या देखें कि इस तरह आपका हमने 80 क्वेश्चंस को फुली फुल तरीके से डिस्कस कर लिया, जिसमें एक दो क्वेश्चंस में डाउटफुल है कि मार्क्स टू ऑल मिलेंगे, ठीक है ना, स्टेट स्टेट एग्जामिनेशन स्टेट गवर्निंग बॉडी है, हो सकता है कहीं से क्वेश्चंस कॉपी किया हो, लेकिन आपसे सोर्सेज मांगेगा चैलेंज करने के लिए, तो मैंने आपको चैलेंज करने के लिए इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो आप देखिएगा कि आपका क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ईजी भी नहीं है, 80 क्वेश्चंस में जो कॉमन बच्चे होंगे वो 60+ क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, अब आप नॉन टेक्निकल में कितना सही कर रहे हैं उस पर नहीं, अगर आप 60+ अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में, क्या है आप सेफ जोन में, तो आपने इंजॉय किया होगा, आपको यहाँ फुल डिस्कशन विथ सॉल्यूशंस मिला है विथ ऑल ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, तो आई होप आपको सेशंस अच्छे लगे होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, तो इसी तरह से हम क्वालिटी के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए
और आपको हर तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि आप अपने मुकाम को जल्द से जल्द पहुंच लें. सो थैंक यू एंड गुड लक एंड ऑल्सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट.